हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीक आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे काम किया था और वो था करंट ट्रेंड जानना, राइट। लास्ट वीक भी हमने करंट ट्रेंड पे काम किया था, लेकिन बहुत सी कंपनियां बाकी थी और ये जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? अभी तो वैसे लोग पूछना ही भूल गए क्या चल रहा है, क्योंकि लोग एक दूसरे को मिलते ही नहीं है। नहीं तो पहले जब हम पूछते थे क्या चल रहा है तो क्या बोलते थे चिंतन भाई साहब? फॉग चल रहा है। अभी तो मिलना बंद हो गया है सबका, राइट। कोरोना कोरोना जहां देखो जबरदस्त फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमने लास्ट वीक ये जाना कि पूरे भारत में अगर हम सारी इंडस्ट्रीज देखें, क्वालिटी कंपनीज देखें, तो डिमांड हमें देखनी थी कौन से सेक्टर में हाई डिमांड है पोस्ट कोरोना। कोरोना आ गया, कोरोना गया, कोरोना वापस आया, लेकिन पूरे सिस्टम में कौन सी इंडस्ट्री है जहां पे डिमांड जबरदस्त है? दोस्तों, डिमांड यानी ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनके धंधे जबरदस्त बढ़ रहे हैं, ये जानना जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमें निवेश वहीं पे बढ़ाना चाहिए जो जगह पे डिमांड की कमी नहीं है। डर साथ में हमें एक और आंसर चाहिए था। हम ये भी जानना चाहते थे दोस्तों कि पोस्ट कोरोना कौन सी अच्छी कंपनियां और सेक्टर थे जहां हमें फोकस करना था, जो आने वाले समय की इंडस्ट्री है, पैसा डालना ही चाहिए। लेकिन पोस्ट कोरोना वहां पे डिमांड नहीं है, वो कोरोना अफेक्टेड इंडस्ट्री है, जबरदस्त मार पड़ी हुई है उन इंडस्ट्रियों को, जैसे टूरिज्म सेक्टर हुआ, राइट। तो वहां पे मार पड़ी हुई है, धंधे नहीं है उन लोगों के। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है क्वेश्चन नंबर वन, किधर डिमांड है, और क्वेश्चन नंबर टू, किधर डिमांड नहीं है। तो ये डिमांड वाला पूरा आपका ये वीक था जिस पे हम लोगों ने फोकस किया, और मुझे बहुत खुशी है आपने मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज और सेक्टर का काम कर लिया। तो देखो, पूरा भारत आपके सामने है और आपके पास जवाब है कि भारत में क्या चल रहा है, कहां डिमांड है और कहां नहीं है। दैट्स वंडरफुल थिंग। पहला कॉलम है डिमांड का यानी सेल्स का, तो दोस्तों दूसरा कॉलम है प्रॉफिट का। एक चीज तो तय है, डिमांड बढ़ेगी वो सबसे बढ़िया चीज है। जीडीपी, डिमांड यानी जीडीपी, हम जीडीपी पे जरूर फोकस करते हैं दोस्तों, जीडीपी देखना चाहिए और जीडीपी सबसे पहली चीज होती है इकोनॉमी में। लेकिन जीडीपी के साथ इन्फ्लेशन भी देखते हैं, महंगाई, राइट। आज भी जैसे आपने कल देखा हो, कल आईएमएफ ने डेटा पब्लिश किए, बताओ कैसे पब्लिश किए? उन्होंने इंडिया का ग्रोथ बढ़ाया कि घटाया? 3 महीने पहले क्या सोचा था उन्होंने, या एनीबॉडी? 12 से 12.5 किया सर। 12.5, तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? गुड न्यूज है सर। गुड न्यूज है कि आईएमएफ को लगता है कि इंडिया का ग्रोथ जो उन्होंने 3 महीने पहले अनुमान किया था उससे बढ़िया रहेगा, राइट। सो दिस इज रियली अ गुड न्यूज। अब डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है कि आप जो यहाँ पे ये जो ग्रोथ देख रहे हो ना अलग अलग कंपनियों का, ये और इंक्रीज होने के अनुमान है, और जो अफेक्टेड इंडस्ट्री है वो भी थोड़े इम्प्रूव होंगे एज पर आईएमएफ, राइट। आईएमएफ ने इन्फ्लेशन भी बताया कि कंट्रोल में रहेगा, तो उन्होंने दोनों चीज कही, क्योंकि खाली डिमांड काम का नहीं है, डिमांड के साथ महंगाई अगर ज्यादा बढ़े, जैसे दुनिया भर में आईएमएफ के हिसाब से जीडीपी 6% से बढ़ने वाला वर्ल्ड वाइड, अब उनके हिसाब से इन्फ्लेशन भी वर्ल्ड वाइड 4% से बढ़ने वाला है, कितने परसेंटेज से? 4। तो 6% से आपका इनकम बढ़ता है, 4% से महंगाई बढ़ता है, आपका स्प्रेड कितना रहा, कितना पैसा आपकी जेब में रहेगा? 2%। तो दुनिया भर की जो कंट्रीज है उनकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा लोगों को,
क्योंकि महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी। अब इंडिया है, इंडिया में उन्होंने क्या कहा कि 12% से आपका जीडीपी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन 4% से ही इंडिया में भी बढ़ेगा। तो इंडिया में अगर 12 और 4 मतलब कितना डिफरेंस रहा हमारे पास, 8%। तो ये कंपनियों के लिए भी अच्छा है। देखो कंपनी के धंधे 15% से बढ़ेंगे और जो उनकी इनपुट कॉस्ट है रॉ मटेरियल की हो या कोई भी कॉस्ट हो, वो कॉस्ट अगर सिर्फ 4-5% से बढ़ती है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, मार्जिन इंक्रीज होंगे, ये सीधा आपको इंडिकेटर ले लेना चाहिए वहां से। पर दुनिया भर की कंपनियों के मार्जिन इंक्रीज होंगे क्या? नहीं होंगे। तो सीधी बात है, लोगों का अट्रैक्शन किधर रहना चाहिए? इंडिया पे ना? अब आज जैसे आरबीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिए, आज सुबह था ना आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी, उन्होंने जीडीपी जो आईएमएफ ने 12.5 कहा, आरबीआई ने कितना कहा ध्यान है किसी को? 4% उन्होंने क्या कंसीडर किया कि अभी जो केसेस जबरदस्त बढ़ रहे कोरोना के, तो ये फियर है हमारे लिए। कुछ सिटीज में लॉकडाउन आ गए, बराबर की नहीं, जैसे गुजरात में भी आज से शायद लॉकडाउन आ गया है, 8 बजे के बाद सब बंद रहेगा। पुणे में तो लास्ट वीक मेरी आपसे बात हुई थी तो आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम थे, राइट? तो पूरे भारत में अगर लॉकडाउन रहता है तो ये आपका 12.5 से थोड़ा और नीचे हो सकता है जीडीपी, राइट? आरबीआई ने क्या बताया कि अगले साल हम 10.5% का जीडीपी तो हासिल करेंगे, सो दैट्स अमेजिंग थिंग फॉर इंडिया। क्वार्टर वन में हम 26% का ग्रोथ करने वाले, सो दिस इज वेरी गुड, है ना? क्वार्टर वन में इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों? क्योंकि पिछले साल में बेस जो था वो बहुत कम था। तो एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन, सब चीजें अच्छी है, इन्फ्लेशन जो है वो भी कंट्रोल में है, तो हम सबकी इनकम तो बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पे वो देखना जरूरी है कौन सी कंपनियों के धंधे जबरदस्त बढ़ेंगे और कौन सी कंपनियां जो अफेक्टेड है वो अगले साल इंप्रूव कर पाएगी, बराबर है? सबसे पहला निवेश किधर करना चाहिए? जहां पे डिमांड है। अगर हम वहां पैसा डालेंगे जहां डिमांड नहीं है तो एक रिस्क रहता है, कौन बताएगा क्या रिस्क है? यस, इम्प्रूव तो होगा, बराबर है, बिकॉज जीडीपी इज गोइंग टू इंक्रीज इम्प्रूव, पर एक डिमांड, एक रिस्क रहता है कि अगले साल भी मान लो उनका धंधा बढ़ा ही नहीं, तो अब धंधा नहीं बढ़ा तो क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? कोई चांस नहीं। प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो आपकी इनकम बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इनकम नहीं बढ़ेगी तो भाव कैसे बढ़ेगा, बराबर की नहीं? आफ्टर ऑल जो भाव है वो किसके साथ है जुड़े हुए? वो एक्सपेक्टेड अर्निंग यानी प्रॉफिट से जुड़े हुए। इसीलिए दोस्तों जहां पे ग्रोथ हो, विजिबल ग्रोथ, वहां पे वेटेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। जहां पे ग्रोथ ना हो वहां आप थोड़ा डिक्रीज भी कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है ग्रोइंग इंडस्ट्री में डालने के लिए। अगर आप हर महीने कमा रहे हो तो वहां पे वेटेज रहने दो, पर इंक्रीज मत करो, बराबर है? देखो जब आपको लगे कि डिमांड बढ़े ऐसी वो सेक्टर में, तभी पैसा डालो, क्लियर है? अब हम लोग आपका पूरा ये ऑपरेशन जो आपने ऑल ओवर इंडिया का किया है इस पे चर्चा करेंगे, राइट? कुछ सेक्टर हम लोग लेंगे जो एक्सट्रीम है। व्हाट डू आई मीन बाय एक्सट्रीम? जहां पे जबरदस्त ग्रोथ है, और ऐसे सेक्टर जहां पे जबरदस्त मार पड़ी हुई है, एकदम खराब हाल है। तो ये दोनों चीज हम लेंगे, राइट? तो मैं लाइन टू लाइन चलूंगा, थोड़ी हम बातचीत करेंगे। जब हम आपके सेक्टर पे बात कर रहे हैं, आपकी कंपनी जो एक्सट्रीम है मतलब बहुत बढ़िया ग्रोथ है, तो आपको क्या बात करनी है? एक तो लॉन्ग टर्म क्या हाल है, 14% 15% कितना ग्रोथ है लॉन्ग टर्म के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे टेस्ट वाली कंपनी पे आ जाता हूं, राइट, जिसपे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। मैं अगर रिलैक्सो की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि भाई रिलैक्सो जो है वो लॉन्ग टर्म में करीबन 15% से धंधा बढ़ रहा है, तो लॉन्ग टर्म का चित्र बहुत क्लियर है। पर शॉर्ट टर्म नियर टर्म में हाल बुरे हैं, बराबर है? क्योंकि
क्वार्टर वन में तो आधा धंधा था, एच वन में इंप्रूव होके 26% आया और 9 मंथ में 14%, तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट है पर अफेक्टेड तो है। हम उम्मीद नहीं रखेंगे कि ये साल लाइफ टाइम हाई धंधा हो, राइट। अब ये देख के -44 -26 -14 देख के मैं क्या उम्मीद रखूंगा, -5 से लेके 0 के बीच में एन्युअल रिजल्ट आएंगे, अच्छा है पर आउट परफॉर्मेंस नहीं, ये मैं समझ गया, राइट। तो मेरे को करंट ट्रेंड जाननी है और साथ में मुझे जानना है मेरी कंपनी का मेजर कॉस्ट क्या है। धंधा तो बड़ा पर धंधे के साथ क्या मेरी कंपनी के रॉ मटेरियल के दाम तो नहीं बढ़ने वाले हैं। देखो मेरी जो कंपनी थी रिलैक्सो, उसमें सबसे बड़ा खर्चा क्या है, मटेरियल का। यानी जब कभी मटेरियल के दाम बढ़ेंगे वो मेरी कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकते। अभी आरबीआई कह रही है 4% इन्फ्लेशन, तो चलो बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, राइट। हर कंपनी का अलग एक मेजर कॉस्ट होता है और वो मेजर कॉस्ट उनके प्रॉफिट को बंप जंप लेती है या अफेक्ट करती है, करेक्ट। तो व्हाट विल आई एक्सपेक्ट फ्रॉम रिलैक्सो, इट इज एन कोरोना अफेक्टेड इंडस्ट्री बट नॉट हाईली अफेक्टेड। आई कैन डेफिनेटली एड ड्यूरिंग फॉल, मैं फॉल में एक्यूमुलेट करूंगा क्योंकि अफेक्ट है, तुरंत नहीं दौड़ने वाला है, राइट। और रॉ मटेरियल मेजर कॉस्ट है तो मुझे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले 10-15 साल में 15% का ग्रोथ जरूर उम्मीद रखूंगा, दिस इज माय अजम्पशन, पैसा बनेगा। अब आपकी कंपनियों की क्या हाल है, चलो उस पे आ जाए, राइट। और जब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे बहुत अच्छी चीजें डिस्कवर होगी, सो गेट रेडी एवरीवन, कम ऑन, लेट मी चेक योर डेटा। ओके, मैं आपके डेटा को एक्सट्रीम कर देता हूं पहले। Just a minute. Okay, here it is. सबसे ज्यादा मैंने ये क्या किया हुआ है, देखिए 9 मंथ का सेल्स Z2A कर दिया, यानी ये पूरा सेग्रीगेट होके आ गया। जस्ट अ मिनट, एक सिंगल डेसिमल कर देता हूं मैं, या अब ये मेरे सामने पूरा चित्र है। भारत में जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है उसमें कैसी डिमांड है, कहां अच्छी है कहां बुरी है। तो देखो नीचे जो आएगी कंपनियां वो सब बुरी डिमांड वाली, जहां की हालत टाइट है, और ये ऊपर है वो सब अच्छे डिमांड वाली। सो फर्स्ट मैं आपके चैट बॉक्स, ओके थोड़ा जूम करूं विनोद भाई, नो प्रॉब्लम, चलो थोड़ा जूम कर लेते हैं, राइट। ओके राइट, आप में से कई लोग मोबाइल पे होंगे या मैं सबसे पहले आ जाता हूं, आपकी पहली कंपनी कौन सी है, एसबीआई लाइफ। किसने काम किया एसबीआई पे, दिनेश भाई, अरे वाह दिनेश भाई क्या बात है। देखो आपने जो 3 कंपनियों पे काम किया, आपकी तीनों कंपनियां आउट परफॉर्मर है, यानी विराट कोहली, फिर वो क्या है नाम है पंत है ना, सब इमर्जिंग इंडस्ट्री की कंपनियां है। तो दिनेश भाई प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ या लेट मी चेक। यस दिनेश भाई, गुड इवनिंग सर, और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना आए, क्वेश्चन पूछना हो तब हैंड रेस करें, मैं आपको चांस दूंगा, फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिएगा, राइट। चलिए हाँ, क्वेश्चन पूछिएगा मन में मत रखिएगा, बराबर है। ओके सो फर्स्ट We will talk with Dinesh bhai. Dinesh bhai, यहाँ पे आपने SBI, Root और FL, ये तीनों कंपनियां आपने बताई है कि इनके धंधे कितने परसेंटेज से बढ़ रहे, 60-50-40, क्या ये सही डेटा है दिनेश भाई? जी सर, हाँ पक्का एकदम, जी सर चेक कर लीजिए आप। अरे दिनेश भाई देखो कोरोना का काल है, सबके धंधे की एकदम हालत टाइट है, ऐसा कहते हैं लोग पता नहीं, पर धंधे इतने बिगड़े हुए तो ये 3 के धंधे इतने जबरदस्त कैसे हो सकते हैं, राइट। हम चेक करेंगे इनको, लेकिन अगर आपका एसबीआई लाइफ का इतना बढ़िया ग्रोथ है, 60% से धंधे बढ़े हैं, तो एचडीएफसी लाइफ का भी धंधा अच्छा तो होना चाहिए, है ना,
क्योंकि दोनों एक ही कंपनी है, सेम सेक्टर की कंपनी हुई। इसका 60% 16% है सर एचडीएफसी लाइफ का, मेरा नीचे। अच्छा तो 16% बुरा नहीं है ना, अच्छा ही है, लेकिन डिफरेंस बहुत है। ये 60 ये 16, स्टिल हम ये कह सकते हैं 16 एंड 60 बोथ आर गुड लाइफ इंश्योरेंस। कैसा सेक्टर हुआ बताइए? अमर्जिंग है सर, इसमें मतलब प्रॉफिट कम ही मिलेंगे। इमर्जिंग भी है और ग्रोइंग भी है। इमर्जिंग है बराबर, ग्रोथ तगड़ा है कोरोना काल में भी, तो घबराने की कोई जरूर नहीं है, राइट। चलो मैं एसबीआई लाइफ ओपन करता हूं और मुझे आपसे 3-4 प्रश्न के जवाब चाहिए। पहला प्रश्न दिनेश भाई, एसबीआई लाइफ का लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या है? व्हाट इज द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ एसबीआई लाइफ? ये सर 20 इधर इधर टोटल पे थोड़ा सा यहां पे है। हां ये सर 20% का एस्टीमेट है इसका लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में वैसे 29 है सर ओवरऑल। या मतलब जबरदस्त ग्रोथ है जी, राइट। अब ये आपने लिखा है प्रीमियम में, मतलब ग्रॉस प्रीमियम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, राइट। लोग प्रीमियम भर रहे हैं क्योंकि इनकी दो इनकम होती है ना लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों की, कौन सी जी सर? हाँ, इनकी दो इनकम होती है ना लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों की, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों की, कौन सी होती है? एक प्रीमियम इनकम और दूसरी कौन सी? इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। करेक्ट, बहुत बढ़िया दिनेश भाई, वेरी गुड। देखो आपने रिसर्च किया तो इतनी चीज क्लियर हुई। अब मेरे को लग रहा था कि ग्रोथ ऐसा ना हो कि दोनों का मिलके हो, लेकिन देखो ग्रॉस प्रीमियम का भी ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब क्लियर है कि लोग लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम भर रहे हैं, तो ग्रोथ जबरदस्त रहेगा। डन। इनका प्रॉफिट कैसा है लॉन्ग टर्म का? प्रॉफिट भी सर लॉन्ग टर्म में तो 60% है, जबरदस्त है, मतलब लेकिन ओवरऑल में आके कम हो जाता है वो, मतलब 10 और 5 ईयर में शॉर्ट टर्म में कम हो गया, कोई बात नहीं, पर ओवरऑल डिमांड जबरदस्त है, यानी सेल्स जबरदस्त है और प्रॉफिट भी सेल्स के साथ इनके इंप्रूव हो रहे हैं। इन्होंने कभी लॉस बॉस किया है पिछले सालों में? खाली एक बार लॉस किया है पूरी हिस्ट्री में, बराबर। एक बार ये कंपनी प्रॉफिट में आई 2009 के बाद, पिछले पूरे दशक में इन्होंने प्रॉफिट किया है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है दिनेश भाई। हाँ सर, है ना, मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि एसबीआई लाइफ मुझे धोखा नहीं देगी, राइट। लेकिन लेने से पहले एक चीज आपको चेक करनी चाहिए, एचडीएफसी लाइफ ने 2009 में लॉस किया था क्या? उसने तो सर 9 बार लॉस कर रखा है सर। 2 बार जी, क्या बात है, देखने तो मैंने अभी देखा था सर। बहुत अच्छा, चलो अच्छा डेटा आपने चेक कर लिया, मेरे को भी देख लेने दो ये एचडीएफसी लाइफ। ओके, जिग्मी ने काम किया है, ये नीचे देखिए सर, ये येलो लाइन में ये लगातार क्लोज दिखा रखता है, बराबर है। ओके, अब इनके केस में ये लोग 2012 से प्रॉफिट में आए, बराबर है। 2012 तक 11 तक ये कंपनी लॉस में थी, तो पहले प्रॉफिट में कौन आया? एचडीएफसी की एसबीआई सर, आना तो वैसे एसबीआई को चाहिए सर। एसबीआई पहले प्रॉफिट में आई और एसबीआई ने प्रॉफिट में आने के बाद लॉस नहीं किया है। HDFC ने भी प्रॉफिट में आने के बाद कभी भी लॉस नहीं किया है, है ना, राइट। लेकिन कंसिस्टेंसी किसकी अच्छी है, SBI की कि HDFC की? सर दोनों की अच्छी है सर, नहीं गलत नहीं बोल सकते। देखो हमारी फेवरेट हो सकती है HDFC लाइफ हो, पर सही बात क्या है कि SBI की कंसिस्टेंसी HDFC से ज्यादा अच्छी है प्रॉफिट में, है कि नहीं? एकदम चित्र क्लियर है आपके सामने, राइट। हम SBI को गलत नहीं कह सकते, बराबर है, नो प्रॉब्लम। चलो वापस हम लोग SBI पे आ जाते हैं। तो आपने क्रॉस चेक किया कि SBI जब लॉस करती थी तब क्या दूसरी कंपनियां तो बरसों से लॉस करती थी, पर SBI पहले प्रॉफिट में आई और प्रॉफिट में आने के बाद उसने कभी भी लॉस नहीं किया है। सो यस, यू कैन गो विद SBI, आप उम्मीद रखोगे धंधा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन दूसरा प्रश्न दिनेश भाई, करंट ट्रेंड क्या है बताओगे मेरे को SBI का? ये सर 64% का है सर, इधर लिखा है आपने। ओके,
राइट, क्वार्टर वन में 185, एच वन में 55 और 9 मंथ में 60, राइट। तो 55-60 मतलब हम उम्मीद रख सकते हैं कि एनुअल रिजल्ट कैसे आएंगे, सेम भी आ जाए वो भी अच्छा जाए, 60% की क्रॉस पे। 50-60% इज ओके दिनेश भाई, है ना जी। पर दिनेश भाई आप ये उम्मीद रखोगे कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का धंधा खाली 0% से बढ़ेगा? नहीं सर, नहीं। तो देखो अभी आपको ये पता चला कि उम्मीद रखे तो कैसे रखे, पता चला कि नहीं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। हम एसबीआई से ये उम्मीद रखेंगे कि इनका धंधा लाइफ टाइम हाई आने ही वाला है, इस बार जबरदस्त धंधा आएगा, राइट। अब मेरे को प्रॉफिट बताओ, इनके प्रॉफिट कैसे? 4% से सर, खाली 4% से बढ़े। तो ऐसा क्यों हुआ दिनेश भाई कि धंधे 60% से बढ़े पर प्रॉफिट खाली 4% से बढ़े? प्रॉफिट कोई खा गया हमारा सर? वो इन्वेस्टमेंट में इनका मतलब हुआ था ना सर, इसलिए। अरे बहुत बढ़िया, आपने मार्केट में नहीं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। देखो दिनेश भाई, अगर आप इनके रिजल्ट परफेक्ट देखो तो आपको पता चलेगा कि ये 60% ग्रोथ भी क्यों मिला है, क्योंकि पिछले साल इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ था, राइट। तो पिछले साल इन्वेस्टमेंट के हाल बुरे थे क्योंकि लिक्विड फंड में कई कंपनियों ने नेगेटिव रिटर्न दिए थे, है ना, लास्ट ईयर, जिसके कारण ये जबरदस्त ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन ये ग्रोथ गलत भी नहीं है क्योंकि प्रीमियम ग्रोथ भी अच्छा है, बराबर है, ग्रॉस प्रीमियम ग्रोथ। मैं चाहूंगा आप एक कॉलम ऐड करो दिनेश भाई यहाँ पे और लिखो ग्रॉस प्रीमियम या नेट प्रीमियम, कोई भी हो चलेगा, पर मुझे ये भी जानना है कि प्रीमियम ग्रोथ कैसा है, बता पाओगे? सर मैं कर लूंगा सर। हाँ, इससे क्या होगा पता है दिनेश भाई, हमें पता चलेगा क्लियर एकदम कि प्रीमियम बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, बराबर ना, राइट जी सर। अब देखो मैंने तो डेटा देख लिया तो मैं आपको अभी कह सकता हूँ कि प्रीमियम भी अच्छे बढ़े थे पिछले साल, ये साल तो प्रीमियम का भी ग्रोथ है, प्रॉफिट नहीं बढ़े, तो हम प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ेंगे ऐसी उम्मीद रख सकते हैं इस साल? प्रॉफिट तो सर एमर्जिंग है ना, तो मतलब तो एवरेज ही बढ़ेंगे सर अभी तो। नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है दिनेश भाई, इमर्जिंग है तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा पर प्रॉफिट तो जबरदस्ती बढ़ेंगे। हाँ सर, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। प्रॉफिट तो बढ़ेंगे इनके, जोरदार बढ़ेंगे एकदम। लेकिन ये साल में उम्मीद रख सकता हूँ एनुअल रिजल्ट में कि इनके प्रॉफिट 40% बढ़ के आ जाए? 40 तो नहीं आएंगे सर, नहीं कर सकते बराबर, क्योंकि देखो 9 मंथ में 4% है। तुम उम्मीद में किसके इर्द और गिर्द रखू, इतना रखू उम्मीद, ये रेंज रखू 0-10% के बीच में? जी सर, बराबर ना जी। अब एक चीज क्लियर है, धंधा जबरदस्त है तो ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए दिनेश भाई, बराबर है। पर दूसरा क्लियर रहो कि प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाला इस साल, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा भाव में, इट्स ऑल राइट। लेकिन आपको अगर लगता है बाजार गिर रहा है तो आपके दिमाग में लेने का अगर कोई सेक्टर आए तो कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए ये फॉल में, लाइफ इंश्योरेंस में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी सर करना चाहिए, राइट, कोई घबराने की जरूर नहीं है, डन, बिल्कुल सर। अब आपने इनका मेजर कॉस्ट निकाला, सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है इनका? मेजर कॉस्ट नहीं पता चला सर मेरे को, वही पूछना था मेरे को। अच्छा, क्यों नहीं देख पाए लेकिन मेजर कॉस्ट? वैसे सर अभी इस हफ्ते मैंने ज्यादा चेक ही नहीं किया था सर। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मेजर कॉस्ट देख लेना क्योंकि हमारे लिए मेजर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मेजर कॉस्ट से आपको ये पता चलेगा कि क्या हो तो मैं थोड़ा कॉशियस रहूं, जैसे क्लेम ज्यादा आएंगे तो इनके लिए खर्चा बढ़ सकता है कि नहीं, अगर ज्यादा लोग की डेथ हुई तो इनके क्या बढ़ेंगे, क्लेम बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट घटेंगे कि नहीं? कोरोना काल में किस चीज का डर, क्लेम का तो डर रहेगा ना कोरोना काल में, तो इनके प्रॉफिट पे इफेक्ट रहती है। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि धंधे में कोई डर नहीं है मुझे, लाइफ इंश्योरेंस में डिमांड जबरदस्त है पर प्रॉफिट पे मार पड़ सकती है, राइट जी। ओके, क्लेम
क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो शायद मैंने डाल रखा सर ईयरली उसमें शायद ये रहा सर, लेकिन वो पूरा नहीं मिल रहा, ये आधा अधूरा ही मिला था मेरे को, ये रहा ना नीचे ये सर एयूएम के साइड में। नहीं पर ये तो पिछले साल का, ये हमारे काम का नहीं है, और ये क्लेम सेटल रेशियो भी काम का नहीं है। क्लेम सेटल तो जितने क्लेम हुए आपने सेटल किए कि नहीं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो क्रेडा ध्यान रखती है, क्लेम तो सेटल होने ही है, कुछ के अच्छे होंगे कुछ के थोड़े बहुत कम होंगे, राइट। पर हमारे काम का डेटा क्या है, इस साल जो खर्चे हुए, क्या देख रहे हैं आपको, इस साल में जो कॉस्ट आई ना, ये एक्सपेंस वो कहां चली गई, ज्यादा कॉस्ट किधर आ गई, राइट। वो डेटा देखने के बाद मुझे बताइएगा कि कौन पैसा खा गया। लेकिन एक चीज हाई क्लियर है, डिमांड इज गुड, वी कैन डेफिनेटली एक्यूमुलेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, बराबर दिनेश भाई। इनके अलावा आपने और दो कंपनियों पे काम किया है, रूट और एफल, बराबर। तो हम रूट और एफल भी चेक कर लेते हैं। साथ में पंकज राणा ने हैंड रेज किया था, लेट मी जस्ट टॉक विद हिम कि कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। यस पंकज भाई कहिए, क्या पूछना चाहते थे एसबीआई में? हाँ सर, सर ये एसबीआई में 9 मंथ क्वार्टर वन और एच वन के प्रॉफिट मतलब ग्रेजुअली डाउन हुए है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा सर? राइट, हो सकता है ना, राइट। अब ये क्यों हुआ होगा ना, इसका जवाब आपको मेजर कॉस्ट बताएगी, बराबर ना, कि भाई ये प्रॉफिट कहाँ चले गए। अगर धंधा आपके पास 60% आया है तो प्रॉफिट हम तो उम्मीद ही रखेंगे कि आना चाहिए, लेकिन देखो प्रॉफिट अगर 4% आए तो इसे क्या कहते हैं पता है, H1 में 38% से प्रॉफिट बढ़े। हाँ। तो हम 9 मंथ में भी यही उम्मीद लेके बैठे होंगे कि कितने हाँ प्रॉफिट आने वाले, 40% 25-30% से तो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर 4% प्रॉफिट आए तो इसे हम क्या कहेंगे, अंडर परफॉर्मिंग रिजल्ट, नतीजे उम्मीद से कम आए। और आप देखोगे कि जैसे ही रिजल्ट आया होगा शेयर प्रेशर में आ गया होगा, थोड़ा नीचे भाव उनके आ गए होंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को झटका लगा होगा, वो प्रिपेयर नहीं होंगे 4% प्रॉफिट के लिए, राइट। अंडर करंट सेल्स बढ़िया है, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि बहुत जबरदस्त टूटेगा, लेकिन प्रॉफिट में ट्रबल है। अब क्यों है, इसका जवाब आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट आप खोलोगे तो मिल जाएगा, बराबर पंकज भाई। हाँ सर, दूसरा आपने अभी वैसा बोला कि रिजल्ट तो अफेक्टेड है, कोरोना अफेक्टेड है, फिर भी नहीं, रिजल्ट कोरोना अफेक्टेड नहीं है, धंधा कोरोना अफेक्टेड है, तो फिर भी सर वो तो अभी ब्रेकआउट टू ब्रेकआउट दे जा रहा है सर 5 महीने से। कौन सी कंपनी कह रहे हो आप? रिलैक्स हो सर, रिलैक्स हो, आपने जो टेस्ट में अभी बताया ना वो। अच्छा रिलैक्स हो, कोरोना अफेक्टेड है लेकिन बहुत नहीं, और उनके प्रॉफिट अच्छे बढ़ रहे हैं, कोई घबराने की जरूर नहीं है। अच्छा रिलैक्स हो में चिंता नहीं है, राइट। रिलैक्स हो में हमें क्या करना चाहिए, जब भी प्रेशर आता है, जब भी बाजार गिरता है, वो समय में मौके मिलेंगे, हमें ऐड करना चाहिए उसको, बराबर है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इंप्रूवमेंट पे है। अब मैं एक और चीज पे आता हूं, मुझे यहाँ पे बताइए 55% 185% 55% 60% मतलब धंधा लाइफ टाइम हाई आने वाला है। हाँ। आने वाला है। प्रॉफिट 38% और 4%, तो प्रॉफिट में थोड़ी चिंता है पर धंधे में चिंता नहीं है। इनके भाव अच्छे रहेंगे, थोड़ा प्रेशर जरूर रह सकता है फॉल के दरमियान, पर कोई चिंता की बात नहीं। अब आप जब रिलैक्सो देख रहे हो, रिलैक्सो में हमने, यहां मैं रिलैक्सो पे आ गया, सबसे पहले क्वार्टर में जबरदस्त टूटा था रिलैक्सो क्वार्टर वन में। क्यों? क्योंकि धंधे जोरदार डाउन थे, 44% प्रॉफिट डाउन थे, लेकिन 44 से 26 मतलब ये क्या हुआ, इंप्रूवमेंट राइट। 26 से क्या हुआ, -40। yes, अब आप क्या उम्मीद रखोगे, क्या ये शेयर में धंधे इस साल गिर के आएंगे क्या? सेल्स तो सर करीब -5 से 0% रहेगा। हाँ, पर जो आपके हाल पिछले साल थे वैसे रहेंगे,
-44 वापस हो जाएगा? नहीं सर। तो जब तक आपके शहर में -44 होने की उम्मीद नहीं है, तब तक ये 52 वीक लो लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? तभी लगाएगा, नहीं जब लगा सकता, नहीं लगा। अब अगर इसको आप पीवीआर से कंपेयर करो, पीवीआर का क्वार्टर वन में जो हाल था वही हाल अभी है। हाँ सर। तो पीवीआर में आप क्या उम्मीद कर सकते हो? वो मतलब 52 वीक लो लगा लग सकता है, क्योंकि इंप्रूवमेंट नहीं है, बराबर है। तो रिजल्ट को इस प्रकार से देखने की, अगर इंप्रूवमेंट आते जाते हैं तो 52 वीक लो नहीं लगेगा, बराबर। आपके प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई आ गए, तो ये तो एचडी एसबीआई से भी अच्छा हो गया। एसबीआई के प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे इतने, लेकिन चलो रिलैक्स हो कि कम से कम प्रॉफिट तो अच्छे प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, बराबर। पूरा इस प्रकार से इंटरप्रेट करने का, और आप उस हिसाब से वेटेज प्लस माइनस कर सकते हो, बराबर है। चलिए कुछ और कंपनी देखेंगे, थोड़ी और आइडिया क्लियर हो जाएंगे, बराबर। चलो मैं वापस से दिनेश भाई पे आ जाता हूँ। दिनेश भाई मुझे रूट बता सकते हो फटाफट अभी एकदम? लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा है दिनेश भाई रूट का? क्या बात है, आपने देखो सब डेटा डाल दिए, वेरी गुड। कितना है ग्रोथ? यस दिनेश भाई, 50% ग्रोथ है सर, ओवर 50%। तो यही कमाल है इमर्जिंग सेक्टर का, यानी धंधे में कोई देखने की चीज नहीं है, धंधे तो बढ़ने ही वाले हैं, राइट। प्रॉफिट भी अच्छे बढ़ रहे हैं। अब चलो हम तो उम्मीद करके बैठे धंधे बढ़ने ही वाले हैं, राइट। करंट ट्रेंड क्या है? कोरोना में ऐसा तो नहीं हुआ कि धंधे गिर गए? चलो चेक करें क्या है आपके धंधे। धंधे भी 51% और प्रॉफिट भी बढ़िया है, 51% और प्रॉफिट 124%। इसका मतलब ये कि इस साल हम क्या देखेंगे? हाई लाइफ टाइम हाई सेल्स, और साथ में क्या देखेंगे? लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स। तो बाजार गिरे, हमें मौका मिले तो रूट को एक्युमुलेट करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। धंधे में प्रॉफिट में दोनों जगह पे कोई देखने की चीज नहीं है, राइट। इनके मेजर खर्चे क्या है? देखो लॉन्ग टर्म आइडिया क्लियर है, शॉर्ट टर्म आइडिया क्लियर है, राइट। इनके मेजर कॉस्ट क्या है बनाइए आपने? अच्छा नहीं लिखी है दिनेश भाई? यस दिनेश भाई, इनके मेजर कॉस्ट है इनके एसएमएस के एक्सपेंस, आपने यहां पे लिखा हुआ है, राइट। परचेस ऑफ मैसेजिंग सर्विस, बराबर है। लेकिन परफेक्ट डाल दीजिएगा मेजर कॉस्ट क्या है, ताकि एग्जैक्ट पता चले आपको, बराबर है। तीसरी कंपनी आपकी एफएल इंडिया, लॉन्ग टर्म ग्रोथ 50% अगेन। तो लॉन्ग टर्म भी कोई देर घबराने की जरूरत नहीं, ह्यूज ग्रोथ है, इमर्जिंग सेक्टर है, डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो हम यहाँ पे पैसा बनेगा ये उम्मीद करके बैठेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या हाल है? 48% धंधे और 52% प्रॉफिट, सो नो नीड टू वरी। अगेन लाइफटाइम हाई सेल्स, लाइफटाइम हाई प्रॉफिट जरूर फॉल में एक्युमुलेट कर सकते हैं। पर इनके भी आपने मेरे ख्याल से मेजर कॉस्ट, अरे वाह लिखा हुआ है। चलिए क्या है इनका मेजर कॉस्ट? इन्वेंटरी डाटा कॉस्ट। यस थोड़ा छोटा कर देता हूं। ओके या दिनेश भाई, मेजर कॉस्ट क्या है इनका, दिख रहा है आपको? इन्वेंटरी एंड डेटा कॉस्ट है ना। ये 74% तो इनको डेटा का कॉस्ट लगता है, इन्वेंटरी का, राइट। तो ये इनका कॉस्ट है, इसमें ना एम्प्लॉय का इनका ज्यादा कॉस्ट है ना फाइनेंस का कॉस्ट है। तो मुझे बताओ आज आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए होते, आरबीआई ने अनाउंस किया होता कि भी हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब क्या है? अगर वो डिपोजिट पे रेट बढ़ाते हैं तो लोन के भी रेट बढ़ जाते हैं,
क्योंकि बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पैसे आते किधर से है, एक सोर्स होता है डिपॉजिट, राइट। अगर उनके रेट बढ़ते हैं, आपके लोन के रेट बढ़ते हैं, लोन के रेट बढ़ते हैं तो ऐसी जितनी भी कंपनियां होगी जो डेट लेके बैठी है उनका ये फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। पर एफएल का फाइनेंस कॉस्ट देख के लगता है कि आपको घबराने की जरूरत है अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो? नहीं सर, नहीं। तो अगर इसके साथ आपके पास कोई ऐसी कंपनी में निवेश है जिसमें फाइनेंस कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो आपको डरना चाहिए कि नहीं वहां पे कि अरे बाप रे अब तो मेरा ये फाइनेंस कॉस्ट और बढ़ जाएगा, अब मेरे मार्जिन घटेंगे। क्लियर दिनेश भाई, राइट। सो हम यहां ये मान के चल रहे हैं इनका इन्वेंटरी और डेटा का कॉस्ट है सबसे ज्यादा, इनका एम्प्लॉय का कॉस्ट इतना बड़ा नहीं है, राइट। ओवरऑल ग्रोथ में है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब मजे है, कोई चिंता नहीं है, वी कैन एक्यूमुलेट। डन। ये कंपनियां है, ऐसी कंपनियां जिनको इंडस्ट्री की कोरोना की इफेक्ट नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस, इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज और एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया। डन। दूसरी कंपनी हम ले, उससे पहले लेट मी सी, कुछ लोगों ने रेंट हैज हैंड रेज किए हैं, क्या नितिन भाई कहिए? सर एफएल खोलिए जरा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हां एक मिनट, ओके कहिए। इसमें उन्होंने लिखा है लिटिगेशन कुछ है ऊपर में। अच्छा, ये लिटिगेशन तो हर कंपनी पे होते हैं, आप गवर्नमेंट की बैंक के भी देखोगे वहां पे भी ये लिटिगेशन है, बहुत ज्यादा इस पे वो जोर देने की जरूरत नहीं है, राइट। हर एक कंपनी, जितनी भी कंपनी आती है, कुछ ना कुछ लिटिगेशन रहते हैं, लेकिन वो लायबिलिटी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बराबर ना। अब हमें डर लगता है कि क्रिमिनल केस, ये केस, लेकिन आप कोई भी कंपनी खोल के देखोगे 7-8-10 लिटिगेशन होते ही है, पर 70-80 करोड़ ये मैनेजेबल है, बराबर। और केस का मतलब ये नहीं है कि वो गुनेगार है, लोगों ने केस किए हैं पर हो सकता है ये क्लीन चिट लेके निकल जाए या ये अच्छे हो, हम नहीं कह सकते कि ये गलत है जब तक कि ये केस हार नहीं जाते, बराबर ना। ये इंपॉर्टेंट है, दावा कितने का है, 70-80 करोड़ मैनेजेबल, राइट। तो नितिन भाई चिंता मत कीजिएगा इस चीज के ऊपर, ओके। चलिए लेट मी मूव फर्दर। या अच्छा पंकज भाई, आपने वापस हैंड रेज किया था कि ये पुराना हैंड रेज है? पुराना है सर, पुराना, पुराना। चलो मैं लोअर हैंड कर देता हूँ। यस, मैंने कर दिया। ओके चलिए, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने तीन कोरोना से बिल्कुल अफेक्टेड नहीं पर उल्टी कंपनियां देखी, इसे ऐसे नहीं आपको सोचना चाहिए कि ये तीन कंपनियां अच्छी है, सेक्टर पे ध्यान रखना है। एडवर्टाइजिंग मीडिया यानी डिजिटल मार्केटिंग दौड़ रहा है, इंटरनेट दौड़ रहा है, लोग घर बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस दौड़ रहा है, राइट। अब चलो हम कुछ ऐसी भी कंपनियां देखें जिनके हाल बहुत बुरे हैं, राइट। तो मैं नीचे आ जाता हूं, और कौन से सेक्टर ऐसा था जहां पे हाईली अफेक्शन है कोरोना का, चलो ये तीन कंपनी पकड़ते हैं हम, ये चार कंपनी। डन। पंकज राणा, यस पंकज भाई अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हाँ सर। या पंकज भाई, तो वंडरला आपने डेटा डाला हुआ है, वंडरला कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है? वो अदर लेजर फैसिलिटीज। बहुत अच्छा, देखो आपने यहाँ लिख दिया, तो हमें ये पता रहता है कि ये अदर लेजियर फैसिलिटी है, राइट। यानी जो बड़े बड़े जो पार्क्स होते हैं, रिसोर्ट होते हैं, ये उन कंपनियों को बिलोंग करती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा था इनका? लॉन्ग टर्म ग्रोथ 20%। मतलब डिमांड जबरदस्त, इंडिया में लोग बहुत घूमने जा रहे थे और हम उम्मीद रख रहे थे कि ये कंपनी जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके देगी। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की हिस्ट्री क्या है? वो भी सर 14% से। बढ़िया, मतलब एक ही साल लॉस हुआ, उसके बाद इन्होंने जब से प्रॉफिट पे आए कभी लॉस नहीं किया। बाकी ये सेक्टर में आपको कंपनी नहीं मिलेगी जो कभी लॉस ना करे, सो एवरीथिंग इज गुड, लेकिन गड़बड़ किधर है?
करंट ट्रेंड क्या कहता है बताओ मेरे को? वो सर बहुत बुरा है, सेल्स बहुत बुरा हाल है। क्वार्टर वन में क्या था? 99% मतलब 0% बिजनेस है ना लॉकडाउन। क्वार्टर टू इम्प्रूवमेंट है क्या? नहीं सर, वो भी एकदम वही है पॉइंट। क्वार्टर थ्री इम्प्रूवमेंट थोड़ा हल्का सा सर, नवंबर में तो पार्क खुली थी। कुछ भी नहीं, लेकिन देखो 98% मतलब यार पंकज भाई 2% धंधा हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं है। मतलब हम इसे कौन सी इंडस्ट्री कहेंगे? कोरोना अफेक्टेड, कोरोना अफेक्टेड इंडस्ट्री है। देखो मेरे पास वंडरला है सिंस आईपीओ, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये कंपनी मेरे को जबरदस्त कमा के देने वाली है। लेकिन मैंने लिए हुए, मैं क्या ऐसे पागल की तरह ऐसा सोचूं कि नहीं ये तो मैंने लिया है, अब मैं हर महीना इसमें और ज्यादा पोजीशन बढ़ाऊंगा, फिर मैं टेंशन में आ जाऊंगा, अरे यार मेरा शेयर चलता क्यों नहीं है, ऐसा थोड़ी ना करेंगे। क्लियर रहो कि ग्रो कैसा है, बिल्कुल नहीं है, बराबर। तो थोड़ी शांति रखो। ऐसी कंपनियां क्या बनाएगी? देखो इधर 52 वीक लो, या ये तुरंत प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे ही डिमांड कम होने लगती है, बाजार थोड़ा नीचे आने लगता है, तो ऐसी कंपनियों में प्रेशर रहता है, राइट? क्योंकि इनका कोई ग्रोथ तो है नहीं, हम खाली आशा पे माल लेने वाले हैं, आशा पे। गलत भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है और एक आध साल बुरा जाए इन लोगों का, हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। तो हम शांति से लेंगे माल, मेरा प्लानिंग है मैं इसमें बढ़िया माल इकट्ठा करने वाला हूँ मंडी में, लेकिन डिमांड दिखने के बाद मैं महंगा खरीदूंगा, मुझे चलेगा, लेकिन खरीदने के बाद कोई चिंता नहीं चाहिए, राइट? यस सर। मुझे बताओ पंकज भाई, मेरे को एक्यूमुलेट लाइफ इंश्योरेंस, इंटरनेट कंपनियां, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनियों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि लेजियर पे कल मेरे को पहला माल बाय करना चाहिए? नहीं सर, पहले आपने जो इंटरनेट और ये जो डिजिटल मीडिया उस पे है, बराबर, जो कंपनी जो सेक्टर ग्रोइंग है उसमें चिंता नहीं है, इसलिए वहां पे वेटेज बढ़ाओ। जो सेक्टर में डिमांड नहीं है, ये कोई नहीं बता सकता है डिमांड कब आएगी, बता सकता है कोई? नहीं सर, कोई नहीं। हम देखेंगे, भीड़ देखेंगे कितनी बाहर निकलती है, राइट? और अभी तो वापस लॉकडाउन, तो वापस बिचारों की हालत टाइट हो जाएगी, डर। हाँ सर, इसके फुटफॉल भाई, हाँ सर, उनके फुटफॉल भी मैंने लिखे हैं। अच्छा, किधर लिखे फुटफॉल आपने? ये नंबर ऑफ विजिटर्स है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ विजिटर इनके क्वार्टरली रिजल्ट में भी ट्रैक करने के? हाँ सर, बराबर ना, वो भी है सर ऊपर में। या अगर कभी घूमने जाओ वंडरला में, कभी, जस्ट कह रहा हूँ, तो वहां के मैनेजर से कॉन्टेक्ट रख सकते हो, ताकि पूछ सको कि भाई दोस्त यार तू भीड़ हो तो मेरे को बताना है कि नहीं। ये क्या हुआ, इनसाइडर न्यूज, बराबर कि नहीं? आप गुजरात में हो, आपको क्या पता वंडरला में लोग जा रहे कि नहीं जा रहे, बराबर है? पर आपको ध्यान रखना है कि विजिटर बढ़े, फिर आप उसमें एक्यूमुलेशन बढ़ाओ, डन। इनका चौथा मतलब फोर्थ पार्क चेन्नई में अभी कंस्ट्रक्शन में है, वो भी थोड़ा डिले हो रहा है। चेन्नई का हो गया होता इस साल, पर कोरोना की वजह से डिले हुआ, पर मान लो इन्होंने कर भी दिया होता तो भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं था सर। तो अभी तो ये लोग क्या करेंगे, देखो हम माल लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, और हमें माल कितने का लेना है, हम कितने शेयर लेंगे, लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के? नहीं सर, पर इनको कितना पैसा लगाना है, इनके मालिकों को पार्क लगाने में उनका शायद 300 करोड़ का, हाँ, तो ये करोड़ों लगाएंगे तो इनको भी तो देखना है कि पैसा फंस नहीं जाना चाहिए। मीटर, बैंक का मीटर तो तुरंत चालू हो जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि लॉकडाउन है ना? करेंगे पूरी, मुझे उम्मीद है चेन्नई में होगा, और आने वाले समय में ये और कई जगह पे एक्सपांड करेंगे, बराबर है? लेकिन फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड है, डन। सर यहाँ पे ये जैसे अभी डाउन है सर, तो 22 का सर कैसे हम लग लेंगे? जैसे 21 का तो सर एकदम धंधा बैठ गया है, तो 22 का एस्टीमेट कैसे ले सकते हैं? में आप उम्मीद रख सकते हो कि ग्रोथ आए अभी, क्योंकि एक साल बाकी है, राइट? लेकिन 22 की आइडिया आपको एग्जैक्ट कब से आएगी पता है? क्वार्टर वन के नतीजे आने के बाद। हाँ
क्वार्टर वन आएगा तो कम से कम इतना तो पता चल जाएगा ना कि ये साल कैसा शुरू हुआ है, राइट। अभी आप 2022 नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, इसीलिए सर मैंने 2022 में नहीं किया है सर, क्वेश्चन रखा है। कोई बात नहीं, देखो आप 15% लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हो सकता है कि अगले साल वापस ग्रोथ आ भी जाए, लेकिन रियल एस्टिमेट होगा क्वार्टर वन के बाद, बराबर है। चलिए, भरत भाई ने हैंड रेस किया हुआ है, भरत भाई कहिए तो, वंडरला में क्वेरी है। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्वेरी नहीं है लेकिन शायद सॉल्व हो गए। मैं ऐसा ही पूछा कि वंडरला में अभी डाउन है तो 52 वीक लो पे ऐड करने का कि नहीं करने का? करने का ना, 52 वीक लो पे ऐड कर सकते हो, बराबर है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है और आप बोलो कि मैंने ग्रोइंग इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं डाला, तो पहला पैसा 52 वीक लो वाली कंपनी में डालने का? समझने देखो, आपके पास लाख रुपया है, बराबर है, और वो लाख रुपए के आपको शेयर लेने हैं, तो पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ग्रोइंग इंडस्ट्री। ग्रोइंग इंडस्ट्री, आपने 90,000 के इमर्जिंग इंडस्ट्री ग्रोइंग में डाल दिए, अब 10,000 रुपया डाल दो यहाँ पे उम्मीद पे कि कल बढ़ेंगे। पर आप ये बोलो कि मैंने लाख के यही शेयर ले लिए तो चलेगा क्या? नहीं, तो फिर उम्मीद पे चलेगा, ऐसा हो जाएगा, बराबर की नहीं? राइट, आप गलत भी पढ़ सकते हो भरत भाई उस केस में, राइट। ओके, और दिनेश भाई ने भी हैंड रेस किया हुआ है। यस दिनेश भाई, क्या पूछ रहे थे? हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है दिनेश भाई। ओके, चलिए नो प्रॉब्लम, कुछ देर बाद बात करेंगे, वापस से मैं आ जाता हूं मास्टर शीट में और मैं आ जाता हूं अफेक्टेड इंडस्ट्री पे। तो कौन था अफेक्टेड, लेट मी चेक। एक आपने बात कर लिया वंडरला, दूसरा है पीवीआर। पीवीआर में चिराग भाई ने काम किया है, चलो चिराग भाई से वापस बात कर लेते हैं। यस चिराग भाई, क्या हाल है? यस सर। चिराग देसाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आपने पीवीआर पे काम किया, स्पेशलिटी रिटेल। आपकी स्पेशलिटी रिटेल की पीवीआर जो कंपनी है, असल में इसका ग्रोथ कैसा है चिराग भाई? ग्रोथ तो नॉर्मल है। भाई नॉर्मल बोलेंगे चिराग भाई इसको? इंडिया का जीडीपी 10% से बढ़ता है और आपका पीवीआर का ग्रोथ कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? अराउंड 20-25। तो फिर देखो, आप चिराग भाई नॉर्मल बोलोगे तो पीवीआर वालों को बुरा लग जाएगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, डबल ग्रोथ करते हैं और आप बोल देते हो नॉर्मल है, राइट? कैसा ग्रोथ है बोलो? अच्छा ग्रोथ, आउट परफॉर्मिंग है। आउट परफॉर्मेंस, इंडिया से डबल तेजी से बढ़ रहा है, तो हम पीवीआर की नेगेटिव पॉइंट बता ही नहीं सकते हैं, राइट। यही नेगेटिव पॉइंट है खाली कि प्रॉफिट कंसिस्टेंसी नहीं है इन लोगों की, बराबर। बाकी मुझे उम्मीद थी कि इंडिया जैसा चल रहा था वैसा चलता जाता, हम 10,000 करोड़ के धंधे देखने ही वाले थे पीवीआर के। देखो आपने भी एस्टिमेट किया होगा 20,000 करोड़ का धंधा है ना, लेकिन अब क्या आ गया? कोरोना। तो कोरोना में क्या हाल है बताइए इनके, है इंप्रूवमेंट? नहीं सर। देखो, अगर आपने क्वार्टर वन डाले होते, H1 डाले होते तो क्लियरिटी ज्यादा होती, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, क्वार्टर वन में वंडरला जैसे हाल, 99% डी ग्रोथ, 98% डी ग्रोथ और यहाँ पे 96% डी ग्रोथ, तो ये क्या डिमांड है पीवीआर में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं है, तो आपको पता ही है कि लोग मल्टीप्लेक्स में नहीं जा रहे हैं। अब ये जो 100 करोड़ आए, ये भी किसमें से आए हैं? ये मल्टीप्लेक्स में से नहीं आई, आप जानते हो ना, वो लीज का जो इनको रिफंड दिया, ये उसके पैसे हैं। तो मतलब कुछ भी इन लोगों के धंधे नहीं है। अब आप ये बोलो पीयूष भाई, पीवीआर इतना अच्छा कंपनी है, क्यों टूट रहा है, तो उसका जवाब आपको किधर से मिलना चाहिए चिराग भाई? डिमांड से मिलना चाहिए ना, राइट। बी क्लियर, और कभी भी चिंता मत करो, हमेशा पता रहना चाहिए आपको। कारण पता चल गया कि भाई मेरे को तो डायरिया है, तो मैं डायरिया की दवाई ले लूंगा, पर कारण ही नहीं पता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो मैं दवाई क्या लूंगा? लोगों को शेयर बाजार में कारण पता ही नहीं है,
और फिर वो घबराए घूमते रहते हैं, अरे बाप रे शेयर गिर रहा है, ये क्या हो रहा है पता नहीं चलता है. यू नो द रीजन दैट देयर इज नो डिमांड, यू कांट एक्सपेक्ट ह्यूज रैली हियर, राइट चिराग भाई? यस सर. ओके, अब आप क्या करोगे? आपके पास पीवीआर है पुराने आईपीओ के भाव से, राइट? अब से आप लेके रखे हो यहां से 2006 से आपके पास माल पड़ा हुआ है. अब इस केस में जब ये हाल है तब आपका दिमाग क्या कहता है चिराग भाई, क्या किया जाए बताइए मेरे को. सर और ऐड करना चाहिए. क्या करना चाहिए? जब डिमांड बढ़े तब ऐड करना चाहिए. जब, ये आपने बिल्कुल सही बताया, जब डिमांड बढ़े तब ऐड करना चाहिए. अगर मैं आपको कहूं नहीं नहीं कोई चिंता मत करो ले लो फॉल में ही लेने का है, अरे तो फॉल में वो लेने का जिसकी डिमांड हो, हर चीज थोड़ी ना लेंगे फॉल में. अच्छी कंपनी है लेकिन फंसी हुई है, तो डिमांड चेक करो और जब डिमांड दिखे वापस यू टर्न आता है तब आप ऐड करो. डन? यस सर. ओके, तो यहाँ पे कोई क्वेरी आपको? नहीं सर. क्लियर ना? वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा. तो मेरा ये आइडिया भी यहाँ पे क्लियर हो गया. देखो आपने राइट इशू लिखा हुआ है यहाँ पे. यस. मतलब क्या चिराग भाई? कंपनी डेप्ट में है. हाँ देखो डेप्ट में तो थी पहले से, है कि नहीं? और ये एक्सपांशन के लिए ये डेप्ट तो था इनके सर पे, पर अभी पैसे की जरूरत पड़ गई. तो पैसे की जरूरत पड़ी, 46 का 51 करोड़ का इक्विटी हो गया, तो ये बाकी का पैसा किसने डाला? प्रमोटर को डालना पड़ा कि नहीं? राइट. राइट इश्यू इन्होंने किया तो सबको उन्होंने ऑफर दी कि जिसको पैसा डालना हो डालो, पर हमें पैसा चाहिए. बराबर है? तो ऐसा होगा, बुरे समय में कंपनियां फंड रेस करेगी. तो अब आपके जब प्रॉफिट बढ़ेंगे ना, अगले साल मान लो 26 करोड़ के प्रॉफिट आते हैं, तो भी आपका ईपीएस 5.5 रुपया नहीं रहेगा, ईपीएस तो कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इक्विटी बढ़ गया है. बराबर की नहीं चिराग भाई? ये सब चीज अंडरस्टैंडिंग कर लेने की एडवांस में, कि अब मेरे को थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरा इक्विटी इंक्रीज हो गया. डन? यस. ओके, सो थैंक यू वेरी मच चिराग भाई. आशा रखता हूं कि ये चीज से अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिले और आप आगे बढ़ सको. अगेन लेट मी मूव टू पंकज राणा फॉर गोदरेज प्रॉपर्टी. क्या पंकज भाई, गोदरेज प्रॉपर्टी क्या हाल है? धंधा क्या? पंकज भाई आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को. सॉरी सर. अरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. क्या हाल है गोदरेज प्रॉपर्टी के बिजनेस के? सर शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही 75% से डाउन है. शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, पहले मैं लॉन्ग टर्म को देखूं. धंधे कैसे इन लोगों के? लॉन्ग टर्म तो एकदम सही है सर, बढ़िया है. बढ़िया है राइट. लेकिन इन्होंने 2016 में जो लाइफ टाइम हाई लगाया था सेल्स में, सॉरी 2019 में, उतना पिछले साल नहीं लगा है ना? हाँ सर. तो इनके धंधे दो बार डाउन हुए हैं. अब रियल एस्टेट यानी ये सबसे खराब इंडस्ट्रियों में से एक है, राइट? सबसे बुरी इंडस्ट्रीज. जो बड़ी कंपनियां थी, कुछ निफ्टी 50 की कंपनियां भी उठ गई, ऐसा हुआ कि नहीं? हाँ सर. बीबीएल, टेक, HDIL, ये सब कंपनियों के क्या हाल हुए? ये अपनी एफडी पे भी, जिन्होंने एफडी ली हुई थी उनको भी रो रो के पैसे देते हैं, राइट? क्यों ऐसा हुआ? Because real estate was not a good sector for last 10 years. Done? फिर भी गोदरेज प्रॉपर्टी धंधा भी कर रहा था और दूसरा क्या कर रहा था? प्रॉफिट भी ले रहा था. यानी आप एक तरफ कहते हो कि सब कंपनियां बहुत बुरी है, अपने निवेशकों को ब्याज नहीं दे पा रहे, पर गोदरेज में ऐसा है क्या? नहीं सर. तो हम ये कह सकते हैं कि गोदरेज एक अच्छी कंपनी है रियल एस्टेट में? हाँ सर. हाँ राइट. अब चलो प्रॉफिट इनके दो बार गिरे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मेरी पहली प्रायोरिटी पंकज भाई रियल एस्टेट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, नहीं होनी? नहीं सर, पहली तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सेक्टर ने लोगों को डुबाया है. बराबर. लेकिन अगर मुझे फिर भी निवेश करना है ये सेक्टर में, तो मैं गोदरेज जैसी कंपनी में निवेश करूंगा. तो एक चीज क्लियर है, इन्होंने जिंदगी में कभी लॉस नहीं किया है.
किया नहीं सर, तो ये मेरी नैया पार करा सकते हैं और मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं? हाँ सर दे सकते। रबर लोग, वो एक किताब मैंने पढ़ी थी, स्विमिंग विद शार्क विदाउट गेटिंग इटन, पढ़ी आप लोगों ने किसी ने भी? बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा। हाउ टू स्विम विद शार्क विदाउट गेटिंग इटन, तो ये जब आप रियल एस्टेट की कोई कंपनी लेते हो ना, मतलब आपने शार्क की टैंक में छलांग लगाई है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन फिर भी उन शार्क में से भी आप निकल के वेल्थ क्रिएट करके बाहर आए। ऐसा तब हो सकता है जब आप गोदरेज जैसी कंपनी में निवेश करते हो। अब यहाँ पे मेरे को बताए ये करंट ट्रेंड क्या है सर? 75 करंट ट्रेंड, 75% डाउन है सेल्स, 88 और लॉस किया पहले क्वार्टर में, बराबर। तो ये तो हम गलत हो जाते। अभी मैंने बताया कभी लॉस नहीं किया और क्वार्टर वन में तो अलर्ट टाइट, सब कंस्ट्रक्शन चालू था कि बंद था? बंद था सर, लॉकडाउन, क्वार्टर वन लॉकडाउन था, सब कारीगर कहाँ चले गए थे? वो घर अपने सब, हाँ अपने स्टेट चले गए थे वापस, तो बुरे हाल थे रियल एस्टेट कंपनी के। लेकिन मैंने इनके क्वार्टर वन के नतीजों में भी पढ़ा था कि इन लोगों ने अपने कारीगरों को जाने नहीं दिया था, और इन लोगों ने अपने ही जो कंपाउंड है उसमें इन्होंने व्यवस्था की थी उनके रहने की, उनके खाने की, उनके पीने की। सो दैट इज 100% अप्रिज करने जैसी चीज है गोदरेज की, राइट? H1 में क्या हुआ? H1 में भी सर मतलब थोड़ा हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ, हल्का इंप्रूवमेंट, कोई इसको हम बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं कह सकते, बराबर। और 9 मंथ में वो भी सर मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट जस्ट, बराबर ना। पर एक चीज से मेरे को मजा आ गई गोदरेज में, मैं गलत नहीं हुआ, प्रॉफिट में आएगी, मतलब सर प्रॉफिट करेगी, अब मेरे को चिंता नहीं है, नहीं तो एक दाग लग जाता हमारी कंपनी पे, है ना, कि तुमने 2020 में लॉस किया था। पर देखो यही पंकज भाई अच्छी कंपनियों की निशानी होती है, वो अपने सर पे दाग नहीं लगने देते लॉस का, और अपने निवेशकों को वो कंसिस्टेंट डिविडेंड देते हैं, बराबर है? तो सी मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कम से कम प्रॉफिट में आना, लेकिन मैं प्रिपेयर रहूं कि डिमांड है नहीं है। अगर रियल एस्टेट के मकान कम बिक रहे हैं तो इसका मतलब ये सेक्टर बहुत सी चीजों से जुड़ा हुआ है। हाउसिंग फाइनेंस का हाल क्या होगा? वो भी सर ऐसा ही होगा सर, उनका भी धंधा अफेक्टेड होगा, होगा कि नहीं, राइट? आपको इधर से पता चल सकता है कि धंधे उनके अफेक्टेड होंगे, राइट? वो भी है क्या? पर चलो हम यही सेक्टर में अगर देखें, मेरे पास गोदरेज जैसे है बरसों से है, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है पिछले 6-8 साल से मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी थोड़ा सा लेके रखा हुआ है 1% जितना पोर्टफोलियो में, राइट? अब मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मेरे को एग्रेसिव बाइंग करना चाहिए इधर कि मैं थोड़ा शांति बनाए रखू? आपको सर उसमें भी डिमांड जब देखे तभी लेनी, मतलब बराबर। देखो मेरे को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा ग्रोथ थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। अगर ये ग्रोथ भी नहीं दिखता ना तो मैं क्या करता पता है? अच्छे बाजार में जब शेयर चलता है तो मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर देता, राइट? क्योंकि ग्रोथ नहीं है तो, लेकिन इंप्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, पर मैं बाय नहीं करूंगा यार, अभी थोड़ा शांति रखूंगा, बराबर? क्लियर एकदम आइडिया? बिल्कुल सर क्लियर। ओके, इनका मेजर कॉस्ट क्या है रियल एस्टेट का, देखा है आपने? नहीं सर वो मैंने नहीं निकाला सर, वो मैं किसी का मैंने निकाल देना, आपको पता रहना चाहिए कि मेजर कॉस्ट क्या है। देखो इधर से निकाल सकते हो आप, नहीं आपने सारे कॉस्ट नहीं डाले, बराबर ना? देखो हो सकता है फाइनेंस का कॉस्ट बढ़ाओ, जैसे मुझे 9 मंथ में दिख रहा है कि करीबन 150 करोड़ फाइनेंस कॉस्ट है, राइट? तो हो सकता है अगर गोदरेज में नहीं तो दूसरी रियल एस्टेट कंपनियां फाइनेंस कॉस्ट वाली बड़ी होगी, तो रियल एस्टेट में फाइनेंस कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आज RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाता ना तो रियल एस्टेट की कंपनियां 15-15% डाउन हो जाती, समझे ना? क्यों? एक करंट
एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, एक करंट ट्रेंड और एक मेजर कॉस्ट, ये चार चीज का संगम हो गया। कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए पंकज भाई कि मेरे साथ क्या होगा, शेयर क्या लू कि नहीं लू, डरू कि नहीं डरू, कुछ भी नहीं डर। ओके, चिराग भाई से मैं पूछना भूल गया था कि पीवीआर का मेजर कॉस्ट क्या था, पर चिराग भाई से वापस मेरी बात होनी है आपका आईआरसीटीसी के लिए। सर 8 बज गए, जस्ट टू इन्फॉर्म यू सर, इट इज 8 o'clock नाउ। या ओके, थैंक यू चिंतन भाई। यस चिराग भाई, मेजर कॉस्ट मेरे को बता सकते हो पीवीआर का क्या था? सर उसमें लिखा है, एक मिनट देख लेते हैं। मोस्टली मूवी एग्जीबिशन का ही है उनका मेजर कॉस्ट। ये मूवी एग्जीबिशन बराबर की नहीं, तो ये इनका सबसे बड़ा खर्चा है, राइट? कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट भी 14% मतलब है, और सबसे बड़ा है मूवी को एग्जीबिट करने का खर्चा। तो ये देख लेने का कि मूवी एग्जीबिशन में उनके कौन से कॉस्ट होते हैं, राइट? इनके केस में लीज कॉस्ट बड़ी हो सकती है, बराबर की नहीं, देख लेना। लेकिन तो हमारी आइडिया एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए, राइट? आईआरसीटीसी के क्या हाल है लॉन्ग टर्म चिराग भाई? लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छा है सर, एकदम मस्त, कोई चिंता की बात नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी में उसमें भी बढ़िया है, कभी लॉस नहीं किया है, बराबर की नहीं, नेवर। तो मेरे को कोई चिंता की जरूर नहीं है, ये एक वेल्थ क्रिएटर है बाकी कंपनियों की ही तरह। पर चलो शॉर्ट टर्म में क्या हाल है अभी? बहुत खराब है, बहुत डाउन है बिजनेस, बहुत डाउन है 73%। तो ये भी क्या कहेंगे हम, कोरोना से अफेक्टेड इंडस्ट्री है, बराबर ना? आप उम्मीद रखोगे चिराग भाई इस साल लाइफ टाइम हाई धंधे आए? नो, अभी नहीं, बराबर। अगर H1 और Q1 डाले होते तो आपको थोड़ा ट्रेंड पता चलता है ना कि इम्प्रूवमेंट है कि इम्प्रूवमेंट नहीं है। चलो मैं आपको बता देता हूं कि हाईली इम्प्रूवमेंट है, अब वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं जैसा दूसरों में देखा, पर इतना बुरा देखने 74% का भी डैमेज है फिर भी इम्प्रूवमेंट है, या 99% डाउन था, राइट? यहाँ पे 90% और यहाँ पे 74%, तो ये क्वार्टर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ है पिछले 9 मंथ में। इस साल कितना डैमेज एक्सपेक्ट करेंगे? 50% बहुत अच्छे चिराग भाई, बहुत अच्छे। तो देखो आपको एनुअल रिजल्ट देखने की जरूर नहीं है, अभी से आपको पता रहना चाहिए धंधे इस बार आधे। पर मेरे माइंड में एक डाउट है चिराग भाई, जब ये आईआरसीटीसी का आईपीओ आया ना, तब मैंने एक डायलॉग बोला था कि आईआरसीटीसी लोगे ना तो आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी कंपनी लॉस करेगी। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि कोरोना जैसी कोई चीज आने वाली है, इतनी डेंजर। अब इस बार हम क्या हो जाएंगे, गलत होंगे कि सही होंगे, क्या लगता है आपको? लॉस में तो नहीं शायद, डाउन होगा, प्रॉफिट बहुत मगर लॉस नहीं होगा शायद। हेलो, देख लेते हैं। नहीं सर लॉस होगा, थोड़ा इंप्रूवमेंट है तो बोले। देखो क्या हाल है, प्रॉफिट में तो है वो यार, देखो कितना बढ़िया। मतलब मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करता हूँ, टॉप क्वालिटी जब मैंने आपको एक्सरसाइज दिया था ना, तब हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज करोगे कि नहीं यार वो नीचे वाली कंपनी ले लो ना चलेगा, अच्छी है ना, थोड़ा कम धंधा करने वाली कंपनी ले लो अच्छी है ना। कॉम्प्रोमाइज मत करना चिराग भाई, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज किया हुआ ऐसे साल में आपको काम नहीं लगेगा, ऐसे समय पे लीडिंग कंपनियां ही कुछ धंधा कर पाएगी, क्योंकि ये कंपनियां एग्रेसिव होती है, इनका स्पान बड़ा होता है, ये पूरे भारत में फैली होती है। अगर रीजनल कंपनी होगी ना इनके सामने टक्कर में, वो धंधा भी नहीं कर पाएगी और वो ऐसे में लॉस करेगी, राइट? सो दिस इज द रीजन, क्वालिटी कंपनी लेंगे हमारी कंपनी दाग नहीं लगने देगी। तो आईआरसीटीसी ने आपको ये बुरे समय में बचाया चिराग भाई, यस सर, राइट? अब क्या देखेंगे, देखो इंप्रूवमेंट मुझे दिखा तो मैं थोड़ा एड कर सकता हूं आईआरसीटीसी, बराबर है? लेकिन इसे मैं कोरोना से अफेक्टेड इंडस्ट्री कहूंगा कि नहीं कहूंगा? कहेंगे सर, डेफिनेट कहेंगे। अब रिलैक्सो अफेक्टेड है कि आईआरसीटीसी अफेक्टेड है? आईआरसीटीसी ज्यादा सवाल ही नहीं है, तो दौड़ेगा आगे कौन शॉर्ट टर्म में?
रिलैक्स हो, आईआरसीटी से ज्यादा आगे दौड़ सकते हैं। क्यों? कारण सब डेटा में है। जो डेटा पढ़ेगा वो कभी ये नहीं बोलेगा शेयर बाजार चोर बाजार। कोई शेयर बाजार चोर बाजार नहीं है, शेयर बाजार डेटा आधारित है और एक्सपेक्टेड अर्निंग से शेयर चलते हैं। जो लोग खाली भाव देख के डिसीजन लेते हैं उन्हें ये चीजें पता नहीं चलेगी। डन। इसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट किया है 9 मंथ में, ये जैसे सेल्स और एक्सपेंस का डिफरेंस निकाले वो तो सिर्फ 13 करोड़ आता है, तो ये हो सकता है सर तो 18.6 करोड़ प्रॉफिट। इतना बड़ा नहीं है, कितना है देखो आप, 74% से धंधे अफेक्ट हुए और प्रॉफिट कितने परसेंटेज से अफेक्ट हुए? नहीं नहीं सर, अगर ये सेल्स और एक्सपेंस का डिफरेंस निकालते हैं वो 13 करोड़ होता है तो फिर प्रॉफिट 86 करोड़ हो सकता है सर। हाँ, अदर इनकम आई होगी। ओके, अदर इनकम या कुछ। देखो ऐसी कंपनियां होगी ना जो डेप्ट फ्री होगी। आईआरसीटीसी पे डेप्ट है क्या? नहीं है। आपने देखो फाइनेंस का कॉलम ही नहीं डाला चिराग में, है ना, पर डाल देना पता चले, राइट। डेप्ट फ्री कंपनियों में ये कमाल होता है, अगर उनके धंधे 70% से टूटते हैं प्रॉफिट उनके 60% से टूटते हैं खाली, कुछ अदर इनकम थोड़ी सी भी आ गई तो भी हमें ऐसे समय पे ये मरने के टाइम पे ऑक्सीजन देने जैसी बात हो गई, या आपको थोड़े थोड़े अदर इनकम भी काम लग जाती है, राइट पंकज भाई। पर इसके कंपैरिजन में अगर कोई और इंटरनेट वाली कंपनी होती जो डेप्ट बर्डन वाली होती तो उनकी भैंस तो गई थी इस साल पानी में, वो आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती थी। 22% के मार्जिन 20 हो गए, मतलब मार्जिन थोड़े कम हुए ना, क्योंकि धंधा ही नहीं है, क्या मार्जिन आएगा। तो मैं क्या उम्मीद रखूंगा, चलो कुछ तो प्रॉफिट आएगा इस साल। ओके, चलिए धन्यवाद आपका चिराग भाई। एंड नाउ हमने तीन इंडस्ट्री कौन सी देखी, हाईली डिमांड वाली। तीन इंडस्ट्री हमने बिल्कुल लो डिमांड वाली देखी। हम और दो दो चीजें देख लेते हैं, राइट। पीआई इंडस्ट्री, चलो पंकज भाई ने काम किया है, पर मैं नेक्स्ट जिन्होंने काम किया है जिग्नेश भाई से बात कर लेता हूं। पंकज भाई आपसे बातचीत ऑलरेडी हो गई है तो जिग्नेश भाई से थोड़ी बात हो जाए। या जिग्नेश भाई यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, मेरे ख्याल से जिग्नेश भाई, ओके जिग्नेश भाई अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, लेट मी चेक। नितिन पटेल, यस नितिन भाई अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। या तो नितिन भाई मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, पीआई और डिविस दोनों से रिलेटेड, ये दोनों कंपनियों का लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा है, यहाँ देख के बता सकते हो आप मुझे? लॉन्ग टर्म ग्रोथ पीआई का अच्छा है थोड़ा ज्यादा, और डिविस लैब का भी अच्छा है। दोनों का मतलब देखो एग्रोकेमिकल और फार्मा दोनों अच्छे सेक्टर है लॉन्ग टर्म में, बराबर है। अब मैं पीआई को ओपन करता हूं, लॉन्ग टर्म में अच्छे ग्रोथ, प्रॉफिट बहुत बढ़िया, कभी लॉस नहीं किया इन लोगों ने, राइट। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि ये कंपनी बड़ी तो बनने ही वाली है, पैसे लगाएंगे अपन इस कंपनी में, लेकिन करंट ट्रेंड क्या है? देखो पंकज भाई ने काम किया तो हमें ये अच्छा काम लगेगा। क्वार्टर वन में नितिन भाई 41% का सेल्स ग्रोथ, 43% का प्रॉफिट ग्रोथ, तो अच्छे हाल थे क्वार्टर वन में, right। ऐसा हो सकता है नितिन भाई, ये तो लॉकडाउन था, कहां से इतना तगड़ा धंधा किया इन्होंने? ये एग्रोकेमिकल खेती खेती है ना सब, देखो लॉकडाउन तो सिटी में था, गांव में तो मस्त काम चल रहा था सब, बराबर की नहीं? राइट। मेरे को लोग कह रहे थे पीयूष भाई गांव में तो कोई मास्क ही नहीं पहनता है, अरे क्या जरूरत थी उन लोगों को मास्क पहनने की उस समय, बराबर। वहां केस तो खाली बड़े शहरों में थे, तो वो लोग कितना अच्छा कर रहे थे, सोचो ये डिमांड कितनी बढ़िया डिमांड आई पीआई की। क्वार्टर वन 40% सेल्स, 40% प्रॉफिट,
तो पीआई इंडस्ट्री टूटा होगा क्वार्टर वन में? नहीं, देखो क्वार्टर वन में क्या हुआ पता है, पहले महीने तो जबरदस्त टूट गया, ये भी 25-30% डाउन आ गया, लेकिन नतीजे आए और ये जोरदार दौड़ा और इसने लाइफटाइम हाई लगा दिया, क्योंकि लोगों ने उम्मीद रखी थी कि सबकी तरह इसके भी धंधे खटके आएंगे। किसने सोचा ही नहीं होगा नितिन भाई कि इतना बढ़िया धंधा आएगा लॉकडाउन में, राइट? फिर H1 क्या हुआ, 34% 61%, क्या कहते हो? सेल्स कम हुआ, थोड़ा कम हुआ। तो हमने जो उम्मीद रखी होगी 30-40% की, वो लोअर 30% के करीब आया। पूरा नहीं है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है ना, कहेंगे आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? नहीं, राइट। नाइन मंथ कैसा है? नाइन मंथ वैसे ही है, 33 वैसा ही है। तो इसे हम क्या कहेंगे बताएं नितिन भाई? एज पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, हम जो उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही आ रहा है। डन। लेकिन ये ग्रोथ है कि डीग्रोथ है? नहीं, वैसे तो क्वार्टर वन से ग्रोथ है, मगर डीग्रोथ है, मगर वैसे तो लॉन्ग टर्म देखे जाए तो ग्रोथ है। या ट्रेंड नहीं कह रहा मैं, ओवरऑल ग्रोथ है 35% का। तो आप इस साल क्या उम्मीद रखोगे नितिन भाई, लाइफ टाइम हाई सेल्स आएंगे? आने तो चाहिए, क्यों नहीं आएंगे एक प्रश्न रहना चाहिए। अब ऐसा अचानक होगा नहीं एनुअल में 0% ग्रोथ हो जाए, होगा ऐसा नहीं? ये यूपी पंजाब चल रहा है तो थोड़ा इफेक्ट कितना, देखो कितना कहूं मैं आपको, 25% से लेके 45% की रेंज रखो ना, ताकि आप गलत भी ना हो जाओ, राइट? ये उम्मीद रखो, पर ये उम्मीद भी जबरदस्त है, मतलब पीआई लाइफ टाइम हाई धंधा तो इस साल करने ही वाला है। अब ये नितिन भाई को कब से पता है कि लाइफ टाइम हाई धंधा कर रहा है? क्वार्टर वन से, यानी आपको जुलाई महीने में ही पता चल गया कि पीआई कमाल करेगा इस साल, बराबर है? पर बाकी के लोगों को कब पता चलेगा पता है? जब अभी एनुअल रिजल्ट आएंगे ये जुलाई में, तब उनको पता चलेगा। जुलाई नहीं सॉरी, मई महीने में, तब पता चलेगा। अब इनको जब तक पता चलेगा तब तक ये लोग लेट हो गए होंगे। तो बड़े निवेशक क्या करते हैं देखा ना आपने, वो इस प्रकार से उम्मीद करके बैठते हैं और अपने उम्मीद पे चलते हैं, उनको डर नहीं लगता है कि मैं गलत हो जाऊंगा नितिन भाई, बराबर है? क्योंकि ये गलत सही होने की गेम नहीं है, उम्मीद के हिसाब से नहीं आए कोई बात नहीं, वेटेज कम करेंगे थोड़ा, बराबर है? आपको ट्रेंड पता चली नितिन भाई कैसे चेक करने की? इस चीज में क्या हमसे गलती हो सकती है कि नितिन भाई आके बोले पीयूष भाई को, अरे पीयूष भाई पीआई तो मैं नहीं लूंगा इस साल, इस साल तो मैं पीवीआर वंडरला वो ही सब खरीदूंगा, तो ऐसा कभी हो सकता है नितिन भाई? नहीं है ना, पहली प्रायोरिटी कहां रखे? जहां डिमांड है ना? ओके, अब मेजर कॉस्ट क्या है इनकी देख लेते हैं वो भी, लेट मी चेक। पंकज भाई ने मेजर कॉस्ट नहीं सर, मैंने किसी में भी मेजर कॉस्ट नहीं किया अभी। अरे ऐसा मत करना, अरे नहीं आपने, अच्छा इसमें डाला है अपना मेजर कॉस्ट के बगैर पता है क्या होता है पंकज भाई, हम अधूरे रहते हैं। अधूरे का मतलब हमें पता ही नहीं रहता है कि मुझे डरना कब चाहिए, अननोन रहता है, मतलब जैसे क्या करना चाहिए। हाँ ऐसा ऐसा अच्छा नहीं है निवेशक की दुनिया में। हमें देखो ये मैं टोटल एक्सपेंस को अलग कर देता हूं, अभी सीधा मेरे को पता चल गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल का खर्चा कितना है, 60%। मतलब पीआई जैसी कंपनी में सबसे बड़ा खर्चा क्या है? मटेरियल का, राइट? अब मटेरियल के दाम बढ़ेंगे तो ही इनके प्रॉफिट घटेंगे, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं आपको? अब इन्फ्लेशन अगर डाउन रहता है तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं सर, वेरी एकदम मस्त। अब आने वाले समय में इन्फ्लेशन भी अच्छा रहेगा, डिमांड भी बढ़िया रहेगी, तो चिंता नहीं, इनके मार्जिन अच्छे रहेंगे, फाइनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है। सर ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? देखो स्टॉक इन ट्रेड को कभी भी ध्यान में मत लो, क्योंकि
क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड प्लस माइनस बहुत होगा, बराबर है। ये स्टॉक इन ट्रेड मैंने जब आपको बैलेंस शीट समझाया था तो उसमें हमने ये बात की हुई थी, बराबर। दो प्रकार के स्टॉक होते हैं, एक प्रोडक्ट बनने के बाद के स्टॉक है, राइट, और एक होते हैं जो प्रोडक्ट बनने से पहले के स्टॉक है, राइट। ये जो स्टॉक इन ट्रेड है ये प्रोडक्ट बनने के बाद का स्टॉक है जो ट्रेड में है, राइट। पर ये आपको कोई देखने की जरूर नहीं है क्योंकि ये खर्चा है ही नहीं, राइट। इसको छोड़ के सारे खर्चे आप देखिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं, जैसे जब डीमोनेटाइजेशन आया तब पार्ले जी ने कहा था कि यार हमारी तो हालत टाइट हो गई है और हम लोग तो अभी बहुत लोगों को नौकरी से निकालने वाले हैं। याद है आप लोगों को हेडिंग थी कि पार्ले जी बोलता था कि भाई मैं लोगों की छुट्टी करने वाला हूं। तब बजाज ऑटो ने, मतलब बजाज के मालिक ने आके ये बताया कि हम जैसी कंपनियों में, चाहे पार्ले हो या बजाज हो, हमारे में ज्यादा खर्चा होता है मटेरियल का। तो हमारी कंपनियों में एम्प्लॉय का खर्चा कितना है? 11% है। ये बहुत बड़ा खर्चा है क्या उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में? नहीं सर। तो लोगों ने ऑपोज किया था पार्ले जी का, क्यों ऑपोज किया था पता चला ना आपको? पर यही चीज अगर टीसीएस आके कहे, मान लो कि आईटी की जो कंपनियां होती है ना, इनका मेन कॉस्ट मैन पावर होता है क्योंकि दिमाग लगाने वाली कंपनियां हैं। अब अगर ऐसा हो कि कंपनी को कॉस्ट घटानी पड़े, ऐसा हो गया है, वो अगर लोगों को कम करे मंदी में, मान लो डिमांड नहीं होगी कंपनी की, जस्ट एक मैं उदाहरण देता हूं कि सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं कोई कारण से, तो कंपनी सोचेगी कि मेरे को मेरा खर्चा कम करना है, तो वो अपने खर्चे को कैसे कम करेंगे? एम्प्लॉय को वो करेंगे, निकालेंगे थोड़े। या तो टीसीएस अगर ये बात कहे तो गले में उतरेगी, पर आपको पीआई ये बात कहे तो गले से उतरेगी? नहीं। तो ये आपको ये डेटा से समझ जाना चाहिए किसका कितना खर्चा। डन, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हमने पीआई के डेटा देखे, साथ ही में मेरे को डिविज भी मैं ओपन कर लेता हूं और डिविज का प्रश्न मैं राजेंद्र जी से पूछता हूं। राजेंद्र जी, लेट मी चेक, ऑनलाइन है क्या? हाँ सर। ओके okay, तो ये मत सोचिएगा कि क्यों राजेंद्र भाई को बताया है ना, ऐसा कोई भी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होता है कि नितिन भाई हमारे फेवरेट और दूसरे फेवरेट नहीं। मैं लाइन टू लाइन चल रहा हूँ, बुरा मत लगाइएगा जिन लोगों का नाम नहीं आता है वो लोग, राइट। यस राजेंद्र जी। यस सर। या सो डिविज लैब, आपने डेटा नहीं बनाया है लेकिन ये ग्रोथ तो आपको पता चल सकता है ना, अभी डिमांड में डर लगता है आपको? नहीं सर, बहुत अच्छा ग्रोथ है सेल्स का और प्रॉफिट का, लॉन्ग टर्म का। प्रॉफिट में कोई कंसिस्टेंसी में घबराहट नहीं है, कभी भी लॉस नहीं किया है। यस, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी गुड। नाउ लेट अस कम टू शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ओके, क्या कहते हो शॉर्ट टर्म? नाइन मंथ्स 29% सेल्स प्रॉफिट है क्वार्टर का 58, ओके, तो घटा है। ट्रेंड थोड़ा डाउन है, थोड़ा डाउन है, ज्यादा नहीं, थोड़ा, राइट। लेकिन एक चीज मैं समझ गया कि ट्रेंड थोड़ी डाउन है, 48, 33, 29, तो मैं एनुअल से उम्मीद क्या करूं राजेंद्र जी? मैं 0% उम्मीद करूं क्या? नहीं, वो करीबन होगा 25%। देखो कितना सही आपने प्रेडिक्ट किया, राइट। अब ये 20 से 30 के बीच में तो कहीं आएगा कि नहीं, 35 के बीच? डेफिनेटली, राइट। तो आप इसमें गलत नहीं होने वाले हो, यू आर प्रेडिक्टिंग परफेक्टली। पर आप बोलो मुझे डर लग रहा है पीयूष भाई का धंधा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा होगा? नहीं नहीं, 0% वी कांट एक्सपेक्ट। तो हमें पहली चीज पता है डिजीज लैब के बारे में, ये राजेंद्र जी इस साल लाइफ टाइम हाई सेल्स करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे लाइफ टाइम हाई सेल्स ये साल, ये साल करेंगे। हाँ, ये साल 2021-22 लाइक, करेक्ट। हाँ, तो अगर 20% का एडिशन होता है
देखिए यहाँ पे मैं आ गया, पिछले साल इनका धंधा था 5400 करोड़ का, इस साल अगर 20% एड होता है तो अंदाजे से कितना होगा? देखो इन्होंने लिखा भी होगा मेरे ख्याल से 1300 या ऑलमोस्ट 7000 करोड़, 7000 यानी 7000 करोड़ ये लाइफ टाइम हाई है कि नहीं है? डेफिनेटली हाई है ये। तो आपको अभी से पता चल जाना चाहिए कि डिविज लैंड इज गोइंग टू मेक लाइफ टाइम हाई सेल्स दिस ईयर, डिविज लैब इज गोइंग टू मेक लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स दिस ईयर। इस बार 50% का प्रॉफिट गेन, यानी हम कितना मुनाफा बढ़ता हुआ देखेंगे, 1400 करोड़ से हम इस बार सीधा 2000 करोड़ का प्रॉफिट देखने वाले, 1900 करोड़ का। डन डन। तो लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट, यानी भाव किधर होंगे? लाइफ टाइम हाई। आप इस साल भी लाइफ टाइम हाई भाव देखोगे कि नहीं देखोगे? जरूर देखेंगे सर। दिस इज व्हाट वी नीड टू इंटरप्रेट। देखो घबराहट जहां पे है, हमने जो कंपनियां देखी जिनके सेल्स और प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई नहीं आने वाले, वही कंपनियों में यहाँ पे आप लाइफ टाइम हाई प्राइस नहीं देखने वाले हो। आप वहां पे क्या देखोगे? लोअर हाई लोअर लो। अगर इंप्रूवमेंट होगा सेल्स में तो लोअर लो नहीं देखोगे, पर राजेंद्र भाई हायर हाई तो नहीं देखोगे। राइट। ऐसी कंपनियां जो ये कोरोना काल में ग्रोथ कर रही है, ये 2021 में हायर हाई बनाने ही वाली है। यस सर। तो मेरे को ये टाइम पे देखो, बाजार पिछले 31 दिन से राजेंद्र जी एक करेक्शन मोड में है। और मुझे डर है कि बाजार टूटा, बाजार पता नहीं क्या होगा, तो मैं क्या लू? तो डिविज लैब मेरे हॉट लिस्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। सो आई टू वरी, बराबर है? यस सर। ये जो भी हमने अभी पूरा ट्रेंड देखा, इसमें कोई डाउट तो नहीं लगता है राजेंद्र जी आपको प्रेडिक्ट करने में कि नहीं मैं गलत हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं? ये प्रेडिक्शन एस्टिमेशन अच्छी तरह से जाएगा। या और क्या है राजेंद्र जी, आप करोगे ना तो गलत होंगे, और गलत होने में कोई बुरी बात नहीं है, पर आप करोगे, गलत होगे, फिर आप अपने प्रेडिक्शन को एडजस्ट करोगे, तो क्या होगा पता है? 2-3 प्रेडिक्शंस के बाद आपके प्रेडिक्शंस कैसे होंगे? बिल्कुल सही होंगे, सही होंगे, हाँ, करेक्ट होंगे, बराबर ना? राइट। पर मैं अभी मैं ये सोचूं नहीं, मेरे को तो प्रेडिक्ट कुछ करना नहीं है, तो फिर हम कभी भी प्रेडिक्शन नहीं सीखेंगे। राइट सर? राइट। ओके, अब ये मुश्किल है, क्या कहते हो कि कर सके? ऐसा है, नहीं कर सकते हैं सर, कर सकते, डेफिनेटली कर सकते। चलिए इनका मेजर कॉस्ट भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा खर्चा मेरे ख्याल से नहीं बनाया है यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, बनाया हो सकता है, नो प्रॉब्लम, देख लेना। लेकिन आपको हर कंपनी का मेजर कॉस्ट पता रहना चाहिए, राइट सर? यस यस। सो थैंक यू वेरी मच टू पंकज राणा फॉर क्रिएटिंग द डेटा एंड राजेंद्र वल्वी जी राइट फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस सेशन। मैं अगेन खाली अभी एक कंपनी लेता हूं जो अंडर परफॉर्म कर रही है, राइट? चलिए, जिसमें डिमांड नहीं है, फिर हम सीधा कुछ क्वेरी पे बात करेंगे। हमने ये 3 कंपनियां ले ली, IRCTC भी ले ली, UBL 43% से इनके धंधे डाउन है। हितेन ठक्कर, यस हितेन भाई, You can unmute yourself. Yes, sir. Yeah. So, कैसे हो आप? Fine एकदम. Sir, fine एकदम. Okay. हितेन भाई, 2 लोगों ने hand raise किए हुए, तो मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ, बराबर है? Yeah. दिनेश कुमार जी, पूछिए क्या पूछना चाहते थे आप? या मैं पानी पी लेता हूँ तब तक? कहिए दिनेश भाई। ओके, दिनेश भाई की आवाज नहीं आ रही है। भरत सिंह यादव, यस भरत भाई कहिए। हाँ,
मेरा पीआई इंडस्ट्रीज में जो कॉस्ट मटेरियल सबसे ज्यादा है, रो मटेरियल का खर्चा, उसमें पता करना है कि कॉस्ट मटेरियल के रो मटेरियल क्या है, वो भी पता चल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो रिजल्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। वो पीडीएफ फाइल में से आपको ये भी पता चलेगा कि क्या होता है एग्रोकेमिकल की कंपनी का रॉ मटेरियल, और ये बड़े काम का प्रश्न है, राइट। अगर आपको ये पता चले तो आप वो रॉ मटेरियल के दाम को ट्रैक कर सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, कैस्टर ऑयल, कैस्ट्रॉल, टाइड वाटर, ये सब जो कंपनियां है, इसमें कैस्टर यानी दिवेलिया जो होता है, राइट, उनकी प्रोडक्शन से कंसर्न रहता है उनका। तो अगर इस साल ऐसा आया है, अभी मैंने डेटा देखे कि इस बार जो पाक है, उपज है, वो बहुत अच्छी होने वाली है, रेन भी, मॉनसून नॉर्मल होगा, तो इससे हमें पता रहता है कि कैस्टर भी बढ़िया रहेंगे और कम दाम में मिलेंगे, तो कैस्टर ऑयल कंपनी को घबराने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर बरसात ज्यादा गिरी नहीं, कम बरसात आती है, कैस्टर का उत्पादन कम रहता है, तो दाम बढ़ जाएंगे, डिमांड सप्लाई, तो सीधा टाइड वाटर और कैस्टर ऑयल के मार्जिन घट जाएंगे। तो क्रूड केस का रॉ मटेरियल है, आयरन ओर किसका रॉ मटेरियल है, ये सब चीजें आप लोगों को एकदम पता हो जाएगी। और कब पता होगी, इसी प्रकार से धीमे धीमे अपने स्टडी को बढ़ाओगे तो कोई मन में डाउट नहीं रहेगा, कोई चीज कहीं पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर भरत भाई, सही, ओके, थैंक यू। तो हितेन ठक्कर, यस हितेन भाई, यूबीएल लॉन्ग टर्म कैसा है बताइए। सर यूबीएल लॉन्ग सेल्स में कभी भी डाउन नहीं हुआ है, तो मतलब ये तो डिमांडिंग प्रोडक्ट है, एकदम जबरदस्त बिकती है, कभी लॉस नहीं किया, कभी लॉस नहीं किया है, वंडरफुल, प्रॉफिट में कम हुआ है, बराबर है, हाँ, चारों एक बार प्रॉफिट अप डाउन रहे हैं, बराबर। तो प्रॉफिट कभी कभी इनके घट जाते हैं, पर कभी लॉस नहीं किया, ये एक अच्छी चीज है। अब करंट ट्रेंड देखते हम लोग, अभी क्या चल रहा है, तो ये क्या था, सर डाउन था 74%, तो मतलब डिमांड तो जबरदस्त डाउन हो गई थी, राइट। अब लॉकडाउन में इसको कैसे इफेक्ट आ गई, लॉकडाउन में इसको तो इफेक्ट आनी नहीं चाहिए, पर क्यों आई इफेक्ट, सर लॉकडाउन था ना, तो शॉप्स बंद थे ना, शॉप्स बंद थे, और ज्यादा ये होता है क्लब्स में, बार्स में, होटल्स में, टूरिज्म के साथ अफेक्ट रहता है इसका, बराबर। अब अभी आप लोग जानते ही हो कि टूरिज्म का क्या हाल है, राइट। तो इस टूरिज्म बुरा है, इसकी वजह से हमने ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखा। Q1 में 73, H1 में क्या हाल है, H1 में इंप्रूवमेंट है, या पर नॉर्मल, बराबर ना, 73 का माइनस 58 इंप्रूवमेंट है, पर ह्यूज नहीं, और नहीं, नाइन मंथ भी सेम कंटिन्यू है, मतलब थोड़ा और इंप्रूवमेंट है, करेक्ट, इंप्रूवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, है कोई डाउट नहीं, राइट। पर ये इंप्रूवमेंट उतना भी पर्याप्त नहीं है कि इस साल यूबीएल को लाइफ टाइम हाई सेल्स दिला सके, क्या पर्याप्त है इंप्रूवमेंट, नहीं नहीं सर, नहीं है, बराबर। पर एक चीज से मेरे को खुशी हुई, मैंने जब इनके क्वार्टर वन देखे तो मैंने सोच लिया कि अब मरेंगे इस बार, एक मिनट है, ये मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है, ओके। क्वार्टर वन में इन्होंने लॉस कर दिया, राइट, पर हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम तो एन्युअल रिजल्ट देखेंगे, अगर एन्युअल में लॉस करेगा तो ही डिविडेंड नहीं आएगा, राइट। अब H1 में भी इन्होंने लॉस किया तो मेरे को भी डर लग रहा था, अरे बाप रे क्या होगा इस बार यूबीएल में, और देखो 9 मंथ के नतीजे में क्या आया, प्रॉफिट, ये समझे इतिन भाई, यही कारण है, क्वालिटी 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 क्यों, राइट, क्योंकि ये कंपनी की हिस्ट्री है, मैं कभी लॉस नहीं करता हूं, राइट इतिन भाई। अगर आप ऐसी कंपनी के साथ रहोगे जो कभी प्रॉफिट कभी लॉस करता है,
तो वो कंपनी कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकती है। अब आपकी 5,000 लिस्टेड में से 4,500 नहीं 4,900 कंपनी ऐसी होगी जो कंसिस्टेंट नहीं होती है, उनको दुख नहीं होता है जब वो लॉस करते हैं तब, क्योंकि वो उनकी आदत होती है, वो सोचते हैं ये कोई बात नहीं अभी लॉस हुआ है देखेंगे, वो दिमाग नहीं लगाते कि कैसे हम कॉस्ट कम करें। राइट, देखो यूबीएल ने क्या किया नितिन भाई, धंधा डाउन है 44% से, पर खर्चे कितने डाउन कर दिए इन लोगों ने, ऑलमोस्ट 40%। तो ये स्मार्ट कंपनी ही कर सकती है जिनका मैनेजमेंट अच्छा है। बुरा मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा पता है, अरे यार धंधा ही नहीं है, सब भाड़े भाड़े तो उतने देने ही हैं, तो अपने खर्चे तो नहीं कम होंगे। तो बुरी कंपनियों में सेल्स 43% से डाउन, खर्चे और एकदम इतने सारे डाउन नहीं होंगे, पर अच्छी कंपनियों की खूबी ये रहती है वो अपने कॉस्ट पे काम करते हैं। राइट, सो गुड कंपनीज वर्क ऑन देयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड बैड कंपनीज डजंट नो व्हाट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। राइट सो मैं यूबीएल से ये उम्मीद रखूंगा हितेन भाई कि लाइफ टाइम ये धंधा नहीं आने वाला है, तो ये इफेक्टेड रहेगा। मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी यूबीएल बाय करने की मंदी में, नहीं पहली प्रायोरिटी तो नहीं रहेगी बट नहीं रहेगी या थोड़ा लेकिन मेरे को वंडरला लेना है। राइट, वंडरला था, पीवीआर था, उससे ज्यादा प्रायोरिटी में यूबीएल की रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? सर 100% है ना, क्योंकि वो तो कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर रहे और ये लोग इम्प्रूव तो कर रहे। राइट, तो कितना आसान है हितेन भाई ये सारे डिसीजन पे आना कि मैं क्या करूं। यस, बहुत आसान है। टीवी देखने की जरूर है? नहीं नहीं जरा भी नहीं। जितना सिंपल तरीके से आप इसको मोड़ोगे उतना ही और सिंपल हो जाएगा। बराबर हितेन भाई? राइट सर। मेरे को आपसे आंसर तो मिल गया कि इम्प्रूवमेंट है यूबीएल में। यूबीएल में मैं 52 वीक लो नहीं देख सकता हूँ। जो लो कोरोना काल में पड़ा था वो नहीं आएगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट है। लेकिन हितेन भाई लॉकडाउन लग गए, मान लीजिए लॉकडाउन लगे और आने वाले समय में वापस 73% का फॉल हुआ तो आप 52 वीक लो देखोगे, नहीं तो देखोगे नहीं। तो लॉकडाउन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? यूबीएल के साथ है। समझ गए ना? समझ गए। राइट, जैसे ही कल लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ यूबीएल के भाव में इफेक्ट आई थी। क्यों पता चला ना? क्योंकि इन्वेस्टर जो पुराने खिलाड़ी है ना, बरसों से माल लेके बैठे, उनको पता है क्या होने से क्या होगा, तो वो डिसीजन कभी बाद में नहीं लेंगे। डन? राइट। ओके हितेन भाई, थैंक यू वेरी मच। मेजर कॉस्ट क्या है इनका देख लेते हैं। चलिए, और एक चीज इंपॉर्टेंट है ये भी, या क्या है सबसे बड़ा खर्चा? सर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल। और एक चीज थी पर ये क्यों इन्होंने नहीं लिखी है? एक मिनट। अच्छा, आपने किया है ना हितेन भाई? हितेन भाई, इसमें आपको एक और कॉस्ट थी इनकी और वो थी टैक्स। ये बड़ी टैक्स थी, ये क्यों बच गई इसमें से? सर मैं ये सोच के नहीं लिखा उसको कि टैक्स तो गवर्नमेंट को देना है, एक्साइज कॉस्ट जो था वो, सो वो इनपुट मतलब कस्टमर से लेते हो और गवर्नमेंट को देते हो, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, इसलिए नहीं लिया था। लेकिन नितिन भाई देखो, एक्साइज बहुत बड़ा कॉस्ट है उनका, बराबर? Okay. तो हमें क्या प्रिपेयर रहना चाहिए ऐसी कंपनियों में कि अगर एक्साइज में थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस होगा ना, इससे यूबीएल की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आएगा। ओके, तो एक्साइज प्लस माइनस यानी प्रॉफिट सीधे बढ़ जाएंगे, तो आपको एक्साइज को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे वो ऐड कर लेना क्योंकि रॉ मटेरियल से भी मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ओके सर, और एक क्वेश्चन था। क्या कहिए हितेन भाई?
सर ये अदर एक्सपेंस बहुत सारी कंपनी में मेजर कॉस्ट के आजू बाजू है, बराबर है, तो उसको कंसीडर कैसे कर, मतलब इट इज अदर नहीं करने का उसको इतन भाई, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, वो हर बार नहीं आएगा। अच्छा, ये प्लस माइनस होता जाएगा। ओके, बराबर ना। तो मैंने हमने दो चीज देखी, एक ट्रेडेड गुड इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, ओके, चेंज इन इन्वेंटरी को ध्यान में नहीं रखेंगे क्योंकि ये भी प्लस माइनस होता जाएगा, right. और अदर एक्सपेंस को नहीं रखेंगे, राइट। मेन क्या है, देखो फाइनेंस कॉस्ट मेन है, पर आपने right. देखा कि बहुत बड़ा रोल नहीं है फाइनेंस का, एम्प्लॉय कॉस्ट yes. खाली 8%, राइट। तो ये सब बड़ी चीज नहीं है इनके लिए, राइट right? बड़ी okay. चीज क्या है, एक्साइज और रॉ मटेरियल, ओके, बराबर, डन, यस सर, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे दोस्तों आप सब लोगों ने मिलके काम किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज को कवर कर लिया। अब आप सबको क्या करना चाहिए, आप सबको एक एक करके हर एक की कंपनी देखने की कि अरे इस कंपनी का मेजर कॉस्ट क्या है, अरे ये कंपनी में ग्रोथ बढ़िया है, चलो देखा जाए किस चीज का ग्रोथ है। आपको आपके आंसर सब इधर से मिलने वाले है कि बाजार टूट रहा है मैं क्या बाय करूं, राइट right? बाजार में कौन सी चीज अभी अवॉइड करे, राइट right? ओके okay, ये दो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहां से ही कवर किया था। तो आपका सीडीएसएल का भी बढ़िया ग्रोथ है जिग्मी, बंधन बैंक 20% ग्रोथ पर प्रॉफिट डाउन है, राइट right? चलिए वंडरफुल एवरीवन, हम सारी कंपनी पे बात नहीं कर सकते हैं, कई कंपनियों पे की आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, जो डेटा हमने अभी देखा उस पे आप पूछना चाहते हो, यू कैन रेज योर हैंड और हम एक एक करके बात करेंगे, बराबर है, चलिए ताकि कोई क्वेरी हमारी रह नहीं जाए मन में, बराबर है, यस प्लीज लेट मी चेक। या सिद्धार्थ भाई, एक्साइज ड्यूटी, बराबर ना, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बहुत बड़ी होती है, तो एक्साइज ड्यूटी तो देखनी पड़ती है। या एंड आपने लिखा है क्रूड टू पेंट इंडस्ट्री 100%, ओके। या दिनेश भाई, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, यस, आवाज नहीं आ रही, आपने अनम्यूट किया है पर सुनाई नहीं दे रहा है दिनेश भाई, नहीं 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 आवाज नहीं आ रही है दिनेश भाई आपकी, ओके, नो वी कांट हियर यू दिनेश भाई, नो प्रॉब्लम, ट्राई कर दीजिएगा, और फिर भी कोई अगर आपको ऐसा हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, राइट, मैं चैट बॉक्स देख लेता हूं, ओके। सो मेरे हिसाब से अब तक हमने जो भी काम किया, हमने आप लोगों के पास खजाना है, देखो ये जितनी भी स्प्रेडशीट है ना, आपने पहले जीडीपी देखे इकोनॉमी के, आप लोगों ने दोस्तों डिमांडिंग इंडस्ट्री ढूंढनी है, देखो डिमांडिंग इंडस्ट्री तो इधर से भी मिल गई है आपको, है ना, लोगों को ढूंढने दो डिमांडिंग, उनको पता ही नहीं है कहाँ डिमांड है, आपको पता है डिमांड इधर है, राइट। तो ये इस साल की डिमांडिंग इंडस्ट्री भी आ गई आपके पास, प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो पता चला, कंसिस्टेंसी पता चली, लॉन्ग टर्म के डेटा पता चले, अमेजिंग स्टोरी, बहुत बढ़िया रहेगा ये स्टडी आपके साथ, यस नितिन भाई। हेलो सर, हाँ कहिए नितिन भाई, इनको एज खोलिएगा एक मिनट, कुछ माइनस प्रॉफिट था उसमें से माइनस डेटा में से प्लस आ रहा है तो मेरा कैलकुलेशन सही है, ओके, इन्फो एज, लॉन्ग टर्म क्या हाल है, लॉन्ग टर्म तो बढ़िया है, एकदम जबरदस्त हाल है ना, जोरदार, तो लॉन्ग टर्म सेल्स बढ़िया, प्रॉफिट बढ़िया, दो तीन बार इन्होंने लॉस भी किया हुआ है, इसको भी भूल नहीं सकते हम, पर उसके साथ हम ये भी नहीं भूल सकते नितिन भाई कि बाकी की कोई कंपनी इंटरनेट में प्रॉफिट नहीं करती है, राइट,
मेक माई ट्रिप हो या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लॉसेस कर रही है, और अभी अभी इसमें नजारा हमने देखा। यस इधर है एच वन क्वार्टर वन ओके माइनस 11% सेल्स ग्रोथ और 150% से प्रॉफिट बढ़े ओके एच वन में माइनस 15% और 239% और नाइन मंथ माइनस 16% और 400% ओके यहाँ कहाँ डाउट है आपको? ये सही है मेरा ये कैलकुलेशन मैंने तो किया है मगर एकदम सही है ना नितिन भाई। देखो मैं आपको क्वार्टर वन से ले जाता हूँ 300 करोड़ के सामने 285 करोड़ यानी धंधा तो इस बार इनका डाउन हुआ था 11% से। अरे एक मिनट चला गया या धंधा तो इनका डाउन था। इनका मेन धंधा क्या है पता है नितिन भाई? हाँ ये सब इनको सबसे बड़ा धंधा आता है naukri.com से। बराबर जो इनकी naukri.com नाम की वेबसाइट है। दूसरे नंबर का धंधा आता है 99 एकड़ से। सब फेमस इनकी वेबसाइट्स हैं, राइट? ऐसे पूरी लाइन लगी है अलग अलग कंपनियों की। पर आपको क्या लगता है naukri.com यानी नौकरियों की कंपनियां लॉकडाउन और पिछले साल कैसी होगी? क्या बहुत जॉब ओपन हुई होगी पिछले साल? नहीं हुई होगी, यानी कम नौकरियां थी। आपको पता है कि पिछले साल आपका जो कौन सा डेटा हम कहते लो मैं नाम भूल गया उसका जॉब वाला डेटा जो आता है ना वो डेटा भी अच्छा नहीं था। जॉब्स का डेटा एम्प्लॉयमेंट डेटा यस यू आर राइट एम्प्लॉयमेंट डेटा भी अच्छा नहीं था। तो naukri.com देखो लॉन्ग टर्म के लिए हमें समझ जाना चाहिए कि naukri.com एक वेल्थ क्रिएटर हो सकती है लॉन्ग टर्म में। नौकरी हो टीमलीज हो जो भी कंपनियां जॉब दिलाने में काम करती है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कंट्री में हर साल 10 करोड़ नौकरियां चाहिए होगी नई नौकरियां एवरी ईयर। तो लॉन्ग टर्म जबरदस्त पर कोरोना में अफेक्टेड राइट तो 10% से धंधा घटा। प्रॉफिट आपका इतना सारा क्यों बढ़ा है पता है? -190 से 93 हुआ या क्योंकि पिछले साल इन्होंने क्या किया था? देखो आपके ही डेटा से पता चलेगा क्या किया था पिछले साल। लॉस किया था 250 करोड़ का नुकसान। इन लोगों ने क्या किया नितिन भाई? कई इनके इन्वेस्टमेंट थे जैसे पॉलिसी बाजार इनका इन्वेस्टमेंट है, जोमाटो इनका इन्वेस्टमेंट है, पर ये सब कैसा इन्वेस्टमेंट है पता है? जहां धंधा बढ़ रहा है तो उनको पता है हम एक दो साल में प्रॉफिट में आ जाएंगे। पर इनके कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे थे जिसमें धंधा भी नहीं बढ़ रहा था। धंधा नहीं बढ़ रहा था तो प्रॉफिट में आएंगे ये लोग नहीं? तो इन्होंने डिसीजन लिया लॉस बुक किया जाए और वो उन्होंने चार कंपनियों को बेच दिया जहां पे इनको लगता था कि धंधा नहीं बढ़ेगा, जिससे ये प्रोविजनल लॉस हुआ। कौन सा लॉस है ये? प्रोविजनल लॉस। या ये रियल लॉस नहीं है। आप जब डेटा में देखोगे तो पता चलेगा कि ये प्रोविजनल लॉस की वजह से इनको 250 करोड़ का लॉस हुआ और ये इन्होंने अगले साल कह दिया था कि नेक्स्ट ईयर हमारा ये प्लानिंग है, तो हमको किसी को डर नहीं लगा और हम तैयार थे ये लॉस के लिए। लेकिन इन्होंने लॉस किया तो इस साल इंप्रूवमेंट आना चाहिए था। आया इंप्रूवमेंट प्रॉफिट में क्वार्टर वन में क्या हुआ? जबरदस्त आया। आया ना? तो देखो इन्होंने जो बोला उसपे सही उतरे राइट। वो लॉस मेकिंग यूनिट निकाल दिए तो वापस प्रॉफिट में आ गई कंपनी। बराबर है? तो आपका डेटा बिल्कुल सही है। डिमांड इनकी थोड़ी डाउन है। आप इस साल क्या उम्मीद करोगे नितिन भाई? कल मैंने लिखा है जरा एक मिनट, कितना आपकी उम्मीद है धंधे की? एस्टीमेट -15%। ये क्या कहते हो? लोगों को पूछने दो नितिन भाई की उम्मीद बराबर है कि गलत है? 15% उम्मीद कर रहे धंधा टूटेगा? सर 10 या 5% है। हाँ देखो अभी अब सबका रेट आप सबकी उम्मीद अलग अलग होगी, इसीलिए तो बाजार में वोलेटिलिटी होती है। एक तो उम्मीद करने वाले लोगों की भी उम्मीद है अलग अलग और 90% लोग को उम्मीद बगैर काम करते हैं, तो वोलेटिलिटी बाजार में तो होती है। पर देखो 15-16 तो मेरे ख्याल से नितिन भाई ने जो उम्मीद रखी है वो बिल्कुल सही है। इसके इर्द गिर्द हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए।
परफेक्ट किया है आपने नितिन भैया, एकदम काम गुड। तो प्रॉफिट इस साल 1800 करोड़ जितने आएंगे, करेक्ट। और अगले साल इनकी जोमाटो का एपीओ आने वाला है, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। हाँ, ऐसा सुना तो है ना, देखते हैं। चलो, बहुत अच्छे अच्छे इनके इन्वेस्टमेंट है, पॉलिसी बाजार इनका बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, राइट, गुड। सर 850 हुआ है, जस्ट टू इन्फॉर्म यू। यस यस, वी आर क्लोजिंग द मीटिंग चिंतन भाई, है ना, क्योंकि ये लास्ट क्वेरी सेशन चल रहा है। ओके, सो नितिन भाई के साथ भरत भाई ने भी हैंड रेज किया था, या भरत भाई क्या क्वेरी थी आपको? बंधन बैंक देखो ना, बंधन बैंक, अभी तो बंधन बैंक का इतना लंबा वीडियो डाल दिया हम लोगों ने बैंकिंग इंडस्ट्री पे, है ना। थोड़ा पूछना था, बोलो बोलो। उसमें ये दिखा रहा है ना, तो मैंने 2015 से डेटा लेता हूँ ना, तो ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखा रहा है, बराबर है, इसलिए मैंने 2016 से डाला है। 2016 से लो, 15 से लो, एक चीज क्लियर रहो कि एक टाइम ऐसा था, एक टाइम ऐसा था जब HDFC बैंक भी जीरो थी, जब बैंकिंग के लाइसेंस दिए तो HDFC ने HDFC बैंक डाले, तो उनके भी स्टार्टिंग के धंधे कुछ नहीं थे, फिर जबरदस्त ग्रोथ आना चालू हुआ। तो ये 60% 40% कुछ भी है, कम से कम अब 20% प्लस तो धंधा रहेगा ही इनका, वो उम्मीद रख सकती हो, मुझे कोई डाउट नहीं है। 2015 से लेता है ना, तो हाँ, लेकिन 200% से ज्यादा हो जाता है, इसलिए कुछ भी हो भरत भाई, 200% हो या 60 हो, आप उम्मीद कितनी रखोगे? 20। हाँ, इसीलिए तो हमने कैप रखा हुआ है। और दूसरा पूछना था, हाँ, ये नीचे मैंने थोड़ा नीचे कर, ये है ना 2015 और 2014 का डेटा है, लेकिन वो बजाज बंधन फाइनेंस दिखा रहा है, हाँ, वो उसका आईपीओ के वक्त जो प्रोस्पेक्टर था ना, उसमें डाला हुआ था उसने, राइट। देखो ये क्या है, ये बंधन बैंक का नहीं है, ये बंधन फाइनेंस का है, तो इसको आप मत लेना। अब 2015 में से इन्होंने लाइसेंस लिया और बैंकिंग में काम करना चालू किया, तो आप डेटा यहीं से इनके लेना, बराबर है? सही। ओके ओके ओके। करंट हाल क्या है? ग्रोथ तो है लेकिन प्रॉफिट, ग्रोथ है लेकिन प्रॉफिट कैसे, पैसा कैसे हो सकता है भरत भाई? धंधा 20% से बड़ा पर प्रॉफिट इतना तो नहीं है, जो गवर्नमेंट ने बोला है ना कि आप हफ्ता नहीं बढ़ गए तो चले गए। हाँ, बहुत अच्छे। तो मतलब प्रोविजन करने पड़े, बंधन बैंक समझ गई कि हमारा रियल हमारा एनपीए 1.11% है, और अगर रियल एनपीए देखेंगे तो 7% आएगा, तो 7% एनपीए के हिसाब से कल अचानक हम कहेंगे कि इतना सारा लोगों ने हफ्ता नहीं भरा तो कंपनी तो लॉस करेगी बंधन बैंक। इससे बेहतर है चलो अभी से कुछ प्रोविजन डाल देते ताकि थोड़ा ये साल थोड़ा अगले साल हो जाए, राइट। तो आपका प्रॉफिट डाउन हो गया और इसी डर में बंधन बैंक प्रेशर में है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए अगर आपको बैंक लेनी है? तो पहले HDFC बैंक लेंगे कि बंधन बैंक लेंगे? HDFC। यस, इसी चीज से पता चलना चाहिए ना। ओके, तो ये प्रोविजन करना मतलब क्या होता है सर? प्रोविजन, देखो प्रोविजन का मतलब एकदम सिंपल है, मेरी कंपनी है और मुझे पता चल चुका है कि ये साल मुझे कोई कारण से 50 करोड़ भरने पड़ेंगे, राइट। मान लीजिए किसी ने मेरे पे केस किया और उसकी लायबिलिटी 50 करोड़ के करीब आती है, तो मैं हारा नहीं हूँ केस, पर मैं जीता भी तो नहीं हूँ, सही है। मुझे प्रोविजन में 50 करोड़ डालने पड़ेंगे कि अगर मैं हारूंगा तो मेरे पास ही 50 करोड़ रहेगा, वो 50 करोड़ का मेरा प्रोविजन होने की वजह से प्रॉफिट मेरे कम हो जाएंगे। वो प्रोविजन से निकल कब जाएगा? अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो इट्स ऑल राइट गुड। अब बंधन बैंक के केस में अलग है, बंधन बैंक के केस में प्रोविजन किस चीज का है? मॉरिटोरियम का, मॉरिटोरियम का। उनको पता है कि जैसे ही सरकार बोलेगी ना, RBI बोलेगी कि अभी आप रियल एनपीए डालो, जो हफ्ता नहीं भर रहे हैं उनको आप एनपीए में डाल दो, तो सीधा एनपीए बढ़ जाएगा, तो उनको प्रोविजन करना पड़ेगा, लॉस बुक करना पड़ेगा कुछ,
तो सर इन लोगों ने इसीलिए ये लोग प्रोविजन करते हैं, तो अभी से अलग से रखा होगा ये प्रोविजन फंड इन लोगों ने। हाँ कर ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना नुकसान होने वाला है, उनको पता चल गया है, तो उन्होंने अभी से उतना नुकसान बता दिया। ओके राइट, तो सर आगे की फिर वो अकाउंट शीट में उसमें इफेक्ट आएगी कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, अगर अभी से प्रोविजन साल आ गई ना। अच्छा, अभी के क्वार्टर में इतनी आ गई, अब हम एनुअल रिजल्ट में देखेंगे और कितने प्रोविजन किए, अगर प्रोविजन और बड़े होंगे तो डेंजर है। बराबर में ओके सर, थैंक यू सर। पर एक चीज क्लियर है, प्रोविजन है बराबर में। एचडीएफसी बैंक और बंधन बैंक में डिफरेंस ही यही है कि एचडीएफसी बैंक के रियल एनपीए भी बहुत कम है। उन्होंने कहा है कि अगर सही में मोराटोरियम इफेक्ट भी डालेंगे तो इतनी बड़ी फिगर नहीं आएगी। हाँ सर, मैं तो आपका देखा वीडियो। या थैंक यू। ओके, अभी लेट मी रीड दिस चैट। दिनेश भाई ने एक लंबी सी चैट लिखी है, तो मेरे को पढ़नी पड़ेगी। एक मिनट सर। व्हेन वी वर्कड ऑन फाइंडिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री, यूबीएल वाज इन नंबर 1 नंबर 2, बट टुडे इट इज एट और क्लोज टू इंट्रिंसिक वैल्यू। इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, व्हाई डोंट वी लुक दैट एग्रेसिवली। बिल्कुल सही बात है दिनेश भाई आपकी। लॉन्ग टर्म में एक डिमांडिंग इंडस्ट्री है राइट, लेकिन अभी डिमांड डाउन हुई है, तो ये डिमांड आएगी कब वापस, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब आएगा डिमांड में से। तो डिमांड डाउन होती है तो एग्रेसिवली बाइंग ना करें। डिमांड है पर प्रॉफिट डाउन हुए तो एग्रेसिव बाइंग करें, क्योंकि प्रॉफिट तो वापस बढ़ जाएंगे राइट। प्रॉफिट दूसरी चीजों पे डिपेंड है, पर डिमांड एक ऐसी चीज है जो डाउन रहे तो एक साल दो साल तीन साल भी डाउन रह सकती है। तो हम कैसे अभी से मान ले कि तुरंत डिमांड बढ़ जाएगी राइट। इसीलिए जब तक डिमांड इंप्रूव होती हुई नहीं दिखती है, बड़ा बाइंग मत करो। यूबीएल के केस में इंप्रूवमेंट है दिनेश भाई, तो कोई डाउट नहीं है, आपको एडिशन करना ही चाहिए, पर आप उतना बड़ा एडिशन नहीं कर सकते हो जितना आप डिमांड है वो इंडस्ट्री में करोगे। बराबर है। सो डिमांड इज एवरीथिंग, फर्स्ट थिंग इज डिमांड राइट। बाइंग किधर करेंगे, पहला जहां डिमांड है प्रॉफिट में प्रॉब्लम आए हैं और शेयर आपका गिरा है, दैट इज योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सेकंड प्रायोरिटी जहां डिमांड थोड़ी कम हुई है कुछ कारणों से, कल डिमांड भी बढ़ेगी राइट, बट फर्स्ट प्रायोरिटी धंधा होना चाहिए राइट दिनेश भाई। ओके सर, एंड व्हाइल गोइंग ऑन अ कंपनी डोंट वी हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेस ऑफ अ कंपनी बिफोर गोइंग टू नंबर। देखो नंबर किधर से आते हैं दिनेश भाई, बिजनेस में से आते हैं, तो बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। कुछ बिजनेसेस बहुत ही बड़ी बातों वाले होंगे लेकिन नंबर नहीं पेश कर रहे, अगर उनके नंबर अच्छे नहीं है तो आपके बैंक में भी आने वाली बातें नहीं है, आपके बैंक में भी आने वाले नंबर ही है राइट। तो नंबर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन बिजनेसेस। अगर बिजनेस अच्छे है तो प्रूव करो, नंबर तो अच्छे आ ही आएंगे ना राइट। ओके, एज आई हैव वर्कड ऑन अल्कालामाइन, इट इज नॉट हाई मार्केट कैप और इन फर्स्ट और सेकंड कंपनी ऑफ इट्स इंडस्ट्री, बट द बिजनेस इज वेरी गुड एंड ऑल्सो इट इज अ स्मॉल कंपनी, बट द एंट्री बैरियर इन दिस सेगमेंट इज वेरी हाई, और शुड वी चेक प्रमोटर क्वालिटी ऑफ एनी बिजनेस। नो दिनेश भाई, अगर आपकी कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है चलेगा, आपकी कंपनी बहुत बड़ा धंधा नहीं करती है चलेगा, पर याद रखना कि आपने ऐसी कंपनी सिलेक्ट की है जिसका धंधा बड़ा नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि कोई मेरी कंपनी में दूसरी कंपनियां एंटर नहीं हो सकती क्योंकि एंट्री बैरियर है, पर एंट्री बैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड है। अब आपकी कंपनी में डिमांड ही नहीं होगी बहुत ज्यादा, उसका एक लिमिटेड बिजनेस है, तो एंट्री करके भी क्या करेंगे, कोई कंपनी आने वाली ही नहीं है, बैरियर हो कि ना हो राइट। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर धंधा नहीं करती है, आप कोई छोटी कंपनी सिलेक्ट करते हो, इट्स ऑल राइट, मैंने छोटी में जाने में मना नहीं किया,
पर वो छोटी अपने सेक्टर की बड़ी होनी चाहिए, बराबर की नहीं, राइट सर? तो इस प्रकार से आगे बढ़िएगा। अगर आप कंपनी लेते भी हो इट्स ऑल राइट, पर ट्रैक करते जाइएगा, जैसे जैसे सेल्स बढ़ता है प्रॉफिट बढ़ते हैं आपको अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन जब कभी प्रॉब्लम आएंगे, ये जितने भी नाम आपने कमेंट में लिखे हैं ये सब केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और केमिकल इंडस्ट्री डिमांड से ज्यादा चल रही है पॉल्यूशन रिलेटेड नॉर्म्स के कारण। दिनेश भाई, डेवलप्ड कंट्रीज को भी ये केमिकल चाहिए पर वो प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि ये हाईली पॉल्यूशन वाली कंपनियां होती है। इंडिया, चाइना, ये दो कंट्री ये प्रोडक्ट बनाती है। अब पिछले साल से ऐसा हो गया कि चाइना ने भी मना कर दिया, उन्होंने भी कुछ एरियाज है जहां पे बैन कर दी कि भी हम हमारी नदियों को खराब नहीं होने देंगे, जिससे डिमांड आपके हमारे इंडिया में आई है। तो ये डिमांड कहां से आई है? कुछ कारणों से। मान लीजिए कल डिमांड में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो एक एक करके ये सारी कंपनियां जो लाइफ टाइम हाई लगा रही है ना, इनकी विकेटें गिरनी चालू हो जाएगी, राइट? क्योंकि डिमांड में प्रॉब्लम, या कोई कंट्री में प्रोडक्शन चालू हो गया। अभी आप वियतनाम कह रहे थे लास्ट वीक, मान लीजिए वियतनाम, देखो कौन सी कंट्री करेगी पता है केमिकल में काम? गरीब कंट्री, जिनको पॉल्यूशन से लेना देना नहीं है पर पैसा कमाना है, राइट? इंडिया इसीलिए तो कर रही है, बराबर है? अगर डिमांड में प्रॉब्लम होता है तो हम बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसीलिए कोई भी कंपनी ना ले, टॉप क्वालिटी कंपनी ले। किसे पता था IRCTC में प्रॉब्लम आएगा, किसे पता था वंडरला में प्रॉब्लम आएगा, पर जब चल रहे थे तब सब कंपनियां चल रही थी, राइट? सो You should look in this way, okay? क्या कह रहे हो सिद्धार्थ भाई? API वाला business in chemical, yes, yes, yes. अब देखो ये सब चीजें depend करती है, ये सारी product एक समय पे एक country ने बोला कि चलो हम manufacture नहीं करेंगे और हमने इंडिया ने manufacture करना चालू किया, पर ये long term demand नहीं होती है। ऐसी चीजों से आप ये नहीं सोच सकते हो कि मुझे जिंदगी भर business मिलेगा, right? ओके, सो गुरुदत्त जी, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ गुरुदत्त जी। या गुरुदत्त जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या मैंने अनम्यूट किया है। हाँ, अभी आवाज आ रही है, कहिए। अभी आ रही सर? यस यस, अभी आपका आवाज क्लियर है। अच्छा, मैं काम कर रहा था UPL पे। UBL? UPL, PL. ओके, UPL, राइट। अभी जो आपने बात की वो मेरा नाइन्थ मंथ रिजल्ट पे। ओके, नाइन मंथ रिजल्ट किधर है? लिखा है सर, साइड में। अच्छा, और साइड में रहेगा, राइट साइड में। ओके, नहीं है, एक मिनट। एक्चुअल या एक इसमें से। हाँ, यहीं पे है, इसी में। नहीं, साइड में रहेगा। आई कांट अंडरस्टैंड नाउ, राइट इज नॉट देयर। और साइड में जाने, अरे एक मिनट, और साइड में जाएगा। अच्छा, मिल गया। अरे नो प्रॉब्लम सर, इसमें है ना, हमारा सेल में ग्रोथ बता रहा है बट प्रॉफिट इज शोइंग एज -40%। करेक्ट, लेकिन जो अभी आपने मेरे को समझाया उससे मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। अभी द CMP इज टचिंग ए लाइफ टाइम हाई। या द ओनली रीजन इज बिकॉज ऑफ द सेल्स ग्रोथ, धंधा बढ़ा रहे हैं लोग, बराबर है। But if you see the debt equity ratio is 1.68. High debt burden. और ICR is 2.21, means उसका coverage उतना अच्छा नहीं है। It can collapse anytime. Correct. Right.
should we book profits here? See, इनको अगर आप लॉन्ग टर्म भी देखो ना, हाँ, see, इनके प्रॉफिट्स किधर है? ओके, ग्रोथ इन 14 इयर्स या 20, इन्होंने कम से कम ये मेंटेन करके रखा है कि कभी लॉस नहीं किया, ये एक अच्छी चीज है, नहीं तो इतने डेप्ट हो तो ये लॉस करेंगे. नहीं, the debt had increased the last 2 years only, sir. लास्ट दो साल 19 और इसमें आप अगर डेप्थ देखेंगे ना इसमें, हाँ इसमें डेट है ना, ये लास्ट दो साल में इंक्रीज हुआ है. लेकिन गुरुदत्त जी ये बहुत इंक्रीज हुआ हम बोलेंगे, पर डेप्थ बर्डन में तो ये पहले से है. देखो ये जब कंपनी आपकी कितना इनका धंधा था, हाँ सर, तभी भी अगर 1,000 करोड़ की डेप्थ थी तो वो कम नहीं थी, दूसरी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा डेप्थ थी. या बट ICR वाज गुड एट दैट टाइम. फिर भी देखो 3 यानी अच्छा नहीं है बहुत. ओके, एंड डेट आप इसे अगर दूसरी कंपनी जैसे PI इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो PI का डेप्थ बहुत कम है, ICR भी बहुत अच्छा है. तो यार थोड़ा डर लगता था, आज से नहीं, जब मैंने 2008 में 10 में जब मैंने बाइंग किया उस समय भी मेरे को पता था कि UPL ग्रोथ अच्छा कर रही है, पर इनपे डेप्थ है, ICR इनका कंफर्टेबल नहीं है, जिसके कारण थोड़ा इसमें प्रॉब्लम लगता था, राइट. Yeah. अब आज भी देखो डेप्थ तो है इनके सर पे. Yeah. तो हम इसमें एकदम फ्री नहीं रह सकते, राइट. यस सर. लेकिन कंपनी को इतना आता है गुरुदत्त जी कि उन्होंने कभी लॉस नहीं किया. यस सर. राइट. दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि पिछले 20 साल एग्रो के अच्छे थे, जैसा अभी मेरा दिनेश भाई से बातचीत चल रहा था. Yes. कि स्पेशलिटी केमिकल के पिछले 20 साल अच्छे थे, तो अच्छे थे तो हर कंपनी प्रॉफिट करती है, तो हमें लगता है सब चलेगी. यस. अब UPL भी अच्छी चल रही है, लेकिन जब कभी बुरा समय आएगा, डिमांड अगर कम होती है या रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे, तो पहले लॉस में कौन आएगी, कम मार्जिन वाली कि बड़े मार्जिन वाली? या वेरी ट्रू, है ना. हाँ सर. तो हमें पहले से वी शुड बी प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए तैयार रहे कि कम मार्जिन वाली कंपनी में जाएंगे तो वहां एक रिस्क रहता है, बराबर ना. यहाँ देखो मार्जिन इनका कम है मेरे ख्याल से, कम है, दूसरी जो PI है उससे कम है. Yeah. लेकिन मुझे इस चीज से बहुत खुशी है कि इतने कम मार्जिन में भी इन्होंने कभी भी लॉस नहीं किया है. हाँ. Right? तो मेरे को थोड़ा डर कम लगेगा यहाँ पे. इवन द सेल्स आर ग्रोइंग क्वाइट गुड नाइसली. सेल्स में तो गुरुदत्त जी इनका कोई कहना ही नहीं है, ये हाईली एग्रेसिव प्लेयर है. Yeah. इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है. Yeah. और इन के नजदीक भी कोई नहीं है. देखो 35,000 करोड़ आपका UPL करता है. हाँ. कोई कंपनी एग्रो में ऐसी नहीं है जो 17,000 करोड़ का टर्नओवर करे. राइट. तो हम UPL को नंबर वन देंगे सेल्स में. राइट. बराबर की नहीं. प्रॉब्लम किधर है? डेप में थोड़ा. हाँ, राइट. अगर आप इन्वेस्ट करते हो, यस वी कैन इन्वेस्ट, लेकिन डर के कारण हम हमारे पोर्टफोलियो में इसको 4-5% की जगह नहीं दे सकते. Very दे सकते? Yes, sir. 1% 2% is enough. Okay. और उसी प्रकार से if I am buying PI, तो PI होगी debt free. Yeah. उसका ICR अच्छा होगा, margin अच्छे होंगे, still I will not go with 5% weightage. क्यों? उसका negative point क्या है? PI का so far मेरे को negative point कुछ मिला नहीं उसमें सर. Sales. हाँ. वो sales. उनको UPL जैसा धंधा करना नहीं आता है. हाँ, UPL ने धंधा दुनिया भर में फैलाया हुआ है, इसलिए उनके धंधे को प्रॉब्लम आने की कोई गुंजाइश नहीं है. बराबर की नहीं. कोई एक दो कंट्री कम करेगी तो भी चलेगा. राइट. लेकिन PI के केस में ये एक थोड़ा रिस्क है. तो मैं PI में कभी भी मेरा वेटेड 2% से ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा. ओके. मेरे को PI ने जबरदस्त कमा के दिया है, 25 times PI में पैसा हो गया, बट स्टिल मैं ये थोड़ी ना सोचूंगा कि पैसा बना यानी वाओ इट इज गुड कंपनी, अच्छी है. पर मेरे को नेगेटिव पॉइंट हर कंपनी के पता रहने चाहिए. राइट गुरुदत्त जी? यस सर. यस सर. तो हमेशा आंखें और कान खुले रखें, नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो एक्सेप्ट करें. बराबर. ओके सर, थैंक यू. आज RBI की जो मीटिंग थी, देखो गवर्नर ने एक बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने मेरे ख्याल से अब्राहम लिंकन का एक कोट सुनाया कि फर्स्ट बी प्रिपेयर फॉर व्हाट इज रॉन्ग,
हम तैयार रहे कि ये सब नेगेटिव चीजें भी है, कोरोना है, और उसके साथ हम ऑप्टिमिस्टिक भी रहे कि हम अच्छा करेंगे। तो वही चीजें आपकी ये सारी कंपनियों में है। हर कंपनी आपकी अच्छी होगी, पर उनकी नेगेटिव चीज अगर दिखे तो आंख बंद मत कर दो, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल एनालिसिस, और कई चीजें आप लोगों ने देखी। मेरे हिसाब से आप इस हिसाब से चलोगे, कोई डाउट नहीं है, पैसा बनना ही है, लेकिन अभी भी कई चीजें सीखनी बाकी है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक हम लोग एक इंपॉर्टेंट डेटा इन्हीं चीजों का चेक करेंगे कि बड़े निवेशक कैसे एंट्री लेते हैं और कैसे वो धीमे धीमे वेटेज बढ़ाते हैं और कैसे धीमे धीमे घटाते भी है। सो नेक्स्ट वीक हम लोग बड़े प्लेयर से कई चीजें सीखने वाले हैं। अगर SBI रूट एफएल में मुझे निवेश बढ़ाना है तो मैं किस प्रकार से बढ़ाऊंगा, आने वाले 5 साल में मैं अपने वेटेज को कैसे इंक्रीज करूं, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट वीक। सो बी प्रिपेयर्ड, वापस से एक्टिव हो जाइएगा। ये वीक हम तगड़ी पढ़ाई करने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स। चलिए, तो बहुत खुशी हुई सब लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स सर।